शुननु मां क्रियाद्रक्ता पान क्रम घटित गोष्ठी गत बहिर्वृत्तिं हातुं चिति भुवमुदारं निवसितुं यदा भावाभेदं प्रथयसि विनष्टोर्मि च पुनः स्थितिर्नाशं देवि कलयति तदा सा तव विभो स्थिते सांसारिक्याः कलयतु विनाशं मम सदा जगत्संहारेण प्रशमयतु कामः स्वरभसात् स्वशङ्कातङ्काख्यं विधिमघनिषेयं प्रथयसि इमं सृष्ट्वित्थं त्वं पुनरपि च शङ्कां विदलयन् महादेवी सेयं मम भवभयं सन्दलयताम् सपदि परिपूर्णे च विभवे गते लोकाचारे गलित विभवे शास्त्र नियमे अनन्तं भोगोघ्यं ग्रसितुमभिक्तोऽलं पटरसा विभो संसाराख्या मम हृदि विधांशं प्रहरतु तदित्थं देवीभिः सपदि दलिते भेद विभुवे विकल्प प्रायासौ प्रविलसति मातृस्थितिरलम् अतः संसारांशं निज हृदि विमृश्य स्थिति मयी प्रसन्ना स्यान् मृत्यु प्रलय करणी मे भगवती प्रसन्ना स्यान् मृत्यु प्रलयकरणी मे भगवती इति श्री अभिनव गुप्त पादाचार्य कृतं क्रमस्तोत्रं क्रमशः विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णां हृदयं परमेशितुः परादिशक्तिरूपेण स्फुरन्तीं संविदं नमः. I praise the heart of the Supreme Lord, who in the form of Shaktis, Para, 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 and Apara rises as immanent as well as transcendent in this world. Good morning to everyone present here. There is a slight change in the schedule. We have two speakers instead of three now in this session. Sunil Rainaji will present his paper in the afternoon. I would request Professor Madhav Hardaji, who is our fellow colleague here, to kindly take over as the chairperson. Thank you, Madhav sir. Please begin the session. सम्मान्य निदेशक जी की प्रतीक्षा नहीं करनी है. अभी सर आए नहीं है. Shall we call him, sir? Perhaps. दो मिनट दें. आप फोन कर लीजिए या फिर. मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए.
सो सर हम वी हैव दिस क्रम स्तोत्र का हमारा जो थर्ड पार्ट है वो फिर हम अभी करते हैं क्योंकि दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. उसमें अभिनव गुप्ताचार्य जी ने अपना डेट भी बताया है. तो शैल आई प्ले दैट नाउ? एक मिनट देख लेते हैं सर, आ गए हैं क्या। ठीक है. Meanwhile, I'm very happy to see Ma Bettina Sharda Boimer. I see here Elizabeth Z, who it must be very late for her joining from the Americas. And I welcome Nihar Purohit Ji. I welcome Professor Pankaj Basotia Ji. I see here Sunil Raina Ji. Very welcome. Professor Rastogi, Meera Rastogi ji, very pleased to see you. And Sundar ji is also here. Prashant Roy, Professor Balram Shukla, our colleague and fellow here at IIAS. Very welcome, all of you. आई थिंक सर शुरू कर लेते हैं. मैंने मैसेज किया है मैम, एक मिनट। अच्छा हाँ देखते हैं क्या जवाब देते हैं। आप कॉल करके देख लीजिए एक बार। ओके. दीपिका जी सर आए नहीं, मुश्किल तो नहीं हो रही है उनको. आ चुके हैं क्या यहाँ पर? ओके वन मोमेंट. सर इज जस्ट जॉइनिंग. एक्चुअली ही कंफ्यूज द टाइम.
between 9:30 and so he's just joining. And meanwhile he said ke hum log shayad krama stotra ka ye kar lete hain. To system analyst se request hai ki baki ka krama stotra chalaye please. Gaurav ji. Okay ma'am, okay. Audible to everyone, na? Hello? Yes, it is. Yes, audible. Audible. Okay. प्रतिफलति चेतो गत भयो विमृश्य स्वात्मानं विमृशति पुनः स्तुत्य चरितं तथा स्तोता स्तोत्रे प्रकटयति भेदैक विषये विमृष्टश्च स्वात्मा निखिल विषय ज्ञान समये तदित्थं त्वत्स्तोत्रेऽहमिह सततं यत्नरहितः अनामृष्टः स्वात्मा न हि भवति भावप्रमितिभाक् अनामृष्टः स्वात्मेत्यपि हि न विनामर्शन विधे शिवश्चासौ स्वात्मा स्फुरदखिल भावैक सरसस्ततोऽहं त्वत्स्तोत्रे प्रवण हृदयो नित्यसुखितः विचित्रैर्जात्यादि भ्रमण परिपाटी परिकरैरवाप्तौ सार्वज्ञं हृदय यदयत्नेन भवता तदन्तस्त्वद्बोध प्रसरसरणि भूतमहसि स्फुटं वाचि प्राप्य प्रकटय विभोः स्तोत्रमधुना विधुन्वानो बन्धाभिमत भवमार्गस्थितिमिमां रसीकृत्यानन्तस्तुतिहुतवः प्लोषितभिदां विचित्रस्वस्फार स्फुरित महिमारम्भरभसात् पिबन् भावानेतान् वरद मदमत्तोऽस्मि सुखितः पिबन् भावानेतान् वरद मदमत्तोऽस्मि सुखितः भवप्राजैश्वर्यप्रथित बहुशक्ते भगवतो विचित्रं चारित्रं हृदयमधिशेते यदि ततः कथं स्तोत्रं कुर्यादथ न कुरुते
तेन सहसा कथम स्तोत्रम कुर्यादथ च कुरुते तेन सहसा शिवैकात्म्य प्राप्तौ शिवनतिरूपायः प्रथमतः आ चरमथ दाहं प्रकटनम् विमुच्यान्यद्वहनेह कमपि घटते नैव हि वपुः सुवेशं विद्रश्मि यदि निज निजांस्तेन सनुतो भवेन्नान्यः कश्चित् भवति परमेशस्य विभवः विचित्रारम्भ गलित नियमे यह किल रसः परिच्छेदाभावात् परम परिपूर्णत्वम् असमं स्वयं भासां योगः सकल भव भावैकमयता विरुद्धैर्धर्मोभैः परचितिरनर्घोचित गुणा इति दृक्षैरूपैर्वरद विविधं ते किल वपुः विभाति स्वांशेऽस्मिन् जगति गतभेदं भगवतः तदेवैतत्स्तोतुं हृदयमथ गीर्वाह्यकरणप्रबन्धाश्च सुरमे सततम परित्यक्तरभसः तवैवैकस्यान्तः स्फुरित महसो बोध जलभे विचित्रोर्मे व्रात प्रसरण रसो यह स्वरसतः त इवामि सृष्टि स्थिति लयमय स्फूर्जित रुचां शशांकाकारिणीनां युगपदुदया पय विभवा शशङ्काकाग्नीनां युगपदुदयापाय विभवा. Extremely grateful to Shalini Mathurji for agreeing to sing the Brahma Stotra, which is an extremely important composition of Acharya Abhinav Gupta, because it gives the time of the composition. So it has its historical importance as well. Professor Paranjape is joining in a couple of minutes. Meanwhile, I would like to share with you that yesterday we had a very fruitful session. We began with the Mangalacharan, and then we had Professor Mark Dixkowski as our keynote speaker. Professor Dixkowski, as most of us know, has dedicated his whole life to this philosophy of Trika. He yesterday focused on the aesthetic delight, and he touched upon ritual yoga and the importance of the Acharya's works in daily life as well.
He remained with us and gave his remarks on the other papers, insightful remarks on the other presenters' papers as well. So we are very grateful that he was with us, and I hope that he'll join today as well. We had Professor Bharat Gupta, who talked about the aesthetic experience in Abhinava Gupta in the Abhinava Bharati, the commentary on Bharata Muni's Natya Shastra. Very methodically, Professor Gupta, step by step, explained the process as Acharya explains it himself. He often talks about how Acharya actually takes the his predecessors and integrates them into his work and enlightens the previous theories in his own way. I see Professor Paranjpe here. Good morning, sir. Good morning. I'm so sorry. I thought it was going to start at 9:30. Sorry, 10 o'clock. And then as I was walking to the institute, I suddenly remembered that actually today we're supposed to start at 9:30. But I'm told that Sunilji wants to present in the afternoon. Yes, sir. So no problems at all. Yes, sir. And Advaita ji has sent her regret. So it is in a way good that we have begun now. We can begin now. All right. So essentially now we have two papers with Dr. Meera Rastogi and Dr. Nihar Purohit. And I think Madhav Hadaji will chair this session. And then we'll have recorded talks by Bettina Baumaji and K.D. Tripathi ji. Am I right? And then in the afternoon... Yes, sir. Yes, and I think if we have only one paper in the afternoon, then we have sufficient time for discussion. Now, I just wanted to make a few introductory remarks before we get started. Hara saab, theek hai? 5 minutes. Aapki awaaz nahi aa rahi hai. हाँ नहीं सर आप शुरू करें अच्छा लगेगा 10 बजने में 1-2 मिनट हैं 1 मिनट है शायद तो या 10 बज ही रहे हैं फिर भी अब हमें थोड़ी सी हम रिलैक्स हो गए हैं थोड़ा सा स्वस्थ हो गए हैं कि इतने टाइम की हमें पाबंदी नहीं है तो यू नो लास्ट नाइट हम लोग जब घर गए शाम को तो मैं यही शांत रस वाली बात सोच रहा था यू नो And as we all know, Bharat Muni mein to shant ras nahi hai. Because, you know, I'll tell you why I'm talking about this. Because Rakesh Kaulji said his novel was written from shant ras. He said the Mahabharata was written from shant ras. And someone pointed out, I think it was Radha Vallabh Tripathi ji yesterday, that Kalhana's Raj Tarangini is also written from the shant rasa. So I began to think about this, you see, we know how this Shantarasa was introduced into the Rasa system. And it had to do probably with the importance of freedom, of moksha, you know, of Nirveda. You know, these are the things that probably brought this idea of the Shanta Rasa into this whole framework, the Rasa framework. So, main iske bare mein, of course, Anand Vardhan has mentioned it in Banya Loka, and I think prior to him, there were others, I think, in the Kashmir Shaiva tradition who brought in this idea of Shantarasa, as far as I know. And Kalhana, for example, he also uses this in his commentary on the Mahabharata. Gary Tubb, I believe, has written about this. But now the point is, yesterday, if you remember in fact, I was also reading this paper by Edwin Garrow and Ashok Aklujkar, on Shant Rasa and Sanskrit Poetics. This was published in the Journal of American Oriental Society. And I know
at least Ashok Akhlujkar ji a bit. He was at Concordia University. So the reason I'm bringing up all this is that when we think about what Bharat Gupji said, what Radhavallabh Tripathi ji said yesterday, and also what Mr. Rakesh Kaul also said yesterday, the question is really this: when we write a text or when we review the history of India, we are going to have another workshop in a couple of weeks on historiography. Now, why is it important to write whenever we review history, whenever we review some of these texts, including Mahabharata? The question in my mind really is that why is this idea of Shantarasa important? I think it is important because the Sthayi Bhav, people say, is Sama, right? So we talked yesterday about the conquest of Kashmir, the destruction of that civilization. When you look back, if you get very upset, we talked yesterday about how both dharma and adharma come from Shiva, both light and darkness, both Kali is both terrible, and benign. So this play of opposites, I think that Shaiva Siddhant, particularly Trika Darshan, teaches us to go above the duality of earthly life, the sansaric existence. And this is where I believe Shantaras becomes very important, even for people who want to understand the truth about things. The radical detachment of a scientist, where he's not invested or she's not invested in the result of an experiment, but is radically detached. You have to observe reality without koi purvagrah nahi hona chahiye. Mujhe lagta hai kuch shantras mein us tarah ki bhavna aati hai. To sam wahi wo samadrishti se har cheez dekho hai na, wo sthayi bhav hai. And then nirveda, that is, nothing should agitate you. Now, last thing I want to say is that that does not mean that you do not act in the world, and you remember obviously Krishna in the Bhagavad Gita and Abhinav Gupta's commentary on it, Gita Sar. So you have to fight. There will be Duryodhans, there will be Kauravas. But how do you fight? You fight not necessarily from Krodha, you see, or Raudra Ras. You fight from a different standpoint, Sukha dukhe same kritva labha labho jaya jayo. I think the whole idea of Shantaras is to act in the world without being of the world. Wo nirlipt tarike se jeena aur kriya karte rehna. I think that leads you to that idea of the Samadrishti, the Sama, from which the Sthayi Bhav Sama, from which you can arrive at Shantaras. And in the end, what happens? Even in Aristotle, there is catharsis. You might see Raudra, you may experience Karuna, you might experience Bibhatsa, you might experience Adbhuta, whatever the Hasya Shringara, etc., etc., Bhayankara. You may experience all this, Bhayanaka. You experience all this, but in the end, what happens to you? You detach yourself, you're calm, and also your consciousness is elevated. So my point is that in some ways, this applies to our seminars, our conferences, which are also rituals, which are also enactments. We get agitated, there are contestations, we may disagree with each other, but in the end, there is the Samadrishti. We accept different points of view, we respect one another, we do what we think is important, and continue with the best possible intentions to intervene in this whole debate. So Shantarasa reminds us of Bhattatauta, Bhattanayaka, all the people who went before Anand Vardhana, and it encourages us, I think, in the end,
to see the aesthetic experience as, Brahmananda Sahodara, Rasovaisaha, everything is imbued with rasa. And beyond all rasas is the calm, is the, the confidence of self-recognition in which when we are, hum apne hi swa mein jab sthit ho jate hain, swabodh aur atmabodh ke baad, aur keh sakte hain char ved to hai, lekin atmaved hi charon vedon ka aadhar atmaved hai. Aur wo jo anubhuti hai, atma ki anubhuti hai, usi ko hum vichar mein jab prakat karte hain, aur bahut hi वैचारिक तर्क और आन्वीक्षिकी के साथ हम किसी चीज का हम प्रमाण के साथ हम किसी चीज का हम विस्तार करते हैं, फिर वो सिद्धांत की ओर जाता है और अंतिम उसकी कड़ी यही है कि उसको हम आचरण में लाएं. तो अगर हम रस अनुभव नहीं करते, अगर हम कभी 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 कभार शिव तत्व को अपने आप में जो अंतर शिव है सदाशिव, वो तत्व को हम अगर अनुभव नहीं करते हैं तो हमारी परंपरा अनुसार ये वैचारिक जो हम कर रहे हैं वो विफल तो नहीं कहूँगा, उसका अपना महत्व है, लेकिन वो उस चरम सीमा की तरफ नहीं ले जा रहा है जहाँ पे हमें आचार्य अभिनव गुप्त आमंत्रित कर रहे हैं. यही मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग ये जो कर रहे हैं ये एक यज्ञ ही है और एक ज्ञान यज्ञ है. इसमें हम आहुति डाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि इससे हमारी अनुभूति, आत्म अनुभूति प्रबल हो. और एक सत्संग होने पे आप समझ सकते हैं कि एक कुल के हम सब सदस्य हो जाएं. ये आया एएस का एक किस्म से कुल है, मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ. आप 26 चैप्टर है उसमें सारे रिचुअल्स दिए हैं तंत्रालोक में, वो चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ. मैं सिर्फ दूसरी तरह से कह रहा हूँ कि ये एक कलेक्टिव एक्सप्लोरेशन होता है और इससे चेतना हमारी बढ़ती है और हमारा जो स्व है वो उज्ज्वलित होता है. इन्हीं शब्दों के साथ मैं हड़ा साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसकी शुरुआत करें, शुभारंभ करें और आज का दिन अच्छा हो हम सब के लिए और इस गोष्ठी का हमें और पूरे विश्व को जो लाभ मिलना है वो मिले. धन्यवाद, कीजिए शुरू. धन्यवाद सर. सम्माननीय निदेशक जी, संगोष्ठी की संयोजक डॉक्टर अलका जी त्यागी, संगोष्ठी में देश और विदेश से भाग ले रहे सहभागी मित्रों, मैं आचार्य अभिनव गुप्त विरासत और महत्व विषयक इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में के दूसरे दिन के पहले सत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. भूमिका माननीय निदेशक जी ने बना दी है, मुझे अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है. मैं केवल ये कहूंगा कि कश्मीर अद्भुत है, असाधारण है. वो दर्शन और अध्यात्म के लिए एक उर्वर जमीन सुलभ करवाता है. सदियों से भारत के और किसी भूभाग में दर्शन और अध्यात्म के लिए, शास्त्र के लिए ऐसी उर्वर जमीन कभी सुलभ नहीं हुई. मुझे लगता है कि वहां का जो मानस है वो धर्म और दर्शन के लिए अनुकूल मानस है. आप देखिए बौद्ध, शैव, बाद में सूफीज्म, एक के बाद एक कोई अंतर्वादा नहीं है. ये बहुत अद्भुत है. और एक बात जो मुझे लगता है कि मेरी इतिहास में दिलचस्पी है थोड़ी, तो मैं कलहण को जरूर स्मरण करना चाहिए हर प्रसंग में. भारत का कोई ऐसा भूभाग नहीं है जिसका इतना व्यवस्थित इतिहास हो. केवल कश्मीर का इतना सुव्यवस्थित इतिहास है जिसको इतिहास कह सकते हैं सही मायने में आप. उन्होंने एक अच्छी बात कही है, उसके साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ और आप वक्ताओं को
दो विद्वान वक्ता जो इस सत्र के हैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। मुझे लगता है कश्मीर को समझने के लिए ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है कल्याण की। ऐसा है कश्मीर वह देश जो आध्यात्मिक शक्ति से जीता जा सकता लेकिन सैन्य शक्ति से नहीं, जहां के निवासी दूसरी दुनिया के परिणामों से अधिक डरते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मुझे लगता है कि शैव दर्शन बौद्ध और अद्वैत और तांत्रिक परंपराओं का समुच्चय है, इसलिए कुछ कोई उसका एक आयाम नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे आयाम। और दो आयामों पर आज के सत्र में बात करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय से के संस्कृत और प्राकृत विभाग से निवृत्त डॉक्टर मीरा रेस्तोगी, परिचय की आवश्यकता है नहीं लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं कि वे आजीवन इसी विषय पर अभिनव गुप्ता और उनके इर्द गिर्द ही शोध कार्य करती रही है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात कहें। डॉक्टर मीरा रेस्तोगी। मीरा मैम है, यस्यां मंतर विश्वमेतत् विस्फुरन्त्यां बाह्याभासं भासमानं विशिष्टौ क्षोभे चीले अनुत्तरायां स्थितौ तां वन्दे देवीं स्वात्मसंवित्तिमेकम्। इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी सम्मान्य विद्वद्गण को मेरा स्वागत है। मेरा आज की इस चर्चा में विषय है ईश्वर प्रत्यविज्ञा विमर्शिनी में प्रस्तुत गतिशील सत की अवधारणा। ईश्वर प्रत्यविज्ञा विमर्शिनी कश्मीर में विकसित त्रिक चिंतन परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तंत्रागमीय धारा में जो विशिष्ट दार्शनिक दृष्टि उभर कर सामने आती है वो आचार्य वसुगुप्त अपने शिव सूत्रों में प्रतिपादित करते हैं। इसमें पहली बार इस चिंतन में आत्मा के स्वरूप को चैतन्य के रूप में उपस्थापित किया जाता है। आचार्य सोमानंद अपनी शिव दृष्टि में उस चैतन्य रूप आत्मा को शिव नाम देते हैं और ये बताते हैं कि पंच शक्तियों का प्रवाह उसमें सदा प्रवाहित है, उसका ये स्वभाव है और इसी स्वभाव के कारण वो अपने स्वरूप को छिपा कर नाना रूपों को भाषित करने में समर्थ होता है। सब उसका अपना ही भाषण है, उसी के धरातल पर घटित हो रहा है, सब उसी के अंदर से आ रहा है और उसी में विलीन हो रहा है। यह दृष्टि उस चैतन्य के गतिशील स्वभाव को ही स्थापित करती है। आचार्य उत्पल अपनी ईश्वर प्रत्यविज्ञा कारिका में इस प्रकल्पना के लेकर आगे बढ़ते हैं कि ये लोग अपनी शिवता को कैसे पहचाने, इसके लिए वो पूरी ईश्वर प्रत्यविज्ञा कारिका में प्रयत्नशील रहते हैं। इस शिवता को वे महेश्वरता का नाम देते हैं। वो इस चिंतन को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं कथन चिदासाध्य महेश्वरस्य दास्यम जनस्यापिपकार मिच्छन् समस्त संपत समवाप्ति हेतु तत् प्रत्यविज्ञान उपपादयाम। उनके द्वारा उस परम तत्व को महेश्वर नाम दिया जाता है और उसके माहेश्वर्य का निरूपण ज्ञातृत्व और कर्तृत्व के सामर्थ्य के रूप में किया जाता है। आचार्य अभिनव गुप्त जो आचार्य उत्पल की कारिकाओं पर ईश्वर प्रत्यविज्ञा विमर्शनी टीका तथा आचार्य उत्पल की विवृति पर विवृत विमर्शनी टीका की रचना करते हैं, फिर भी उनकी प्रतिष्ठा मौलिक चिंतक से कम नहीं है। वे भी इसी सत की गतिशीलता की धारणा को आगे बढ़ाते हैं। उनका मुख्य योगदान है इस संप्रदाय की स्थापनाओं को यौक्तिक आधार देना। वास्तव में तांत्रिक चिंतन में शक्ति की धारणा को इतना महत्व देकर जो उसे बार बार शिव से अभिन्न कहा गया है, तो यह दृष्टि गतिशीलता की धारणा की सत के स्वरूप में अनुस्यूति की ही संकेतक है।
आचार्य उत्पल विवृत विमर्शनी के मंगल श्लोक में उस शिव रूप चैतन्य में दो स्वाभाविक वृत्तियां बताते हैं, स्वच्छत्व और स्वच्छंदत्व। स्वेच्छा उभासिता शेष लोक यात्रात्मने नमः शिवाय सश्रद्छन्न स्वच्छ स्वच्छंद वृत्तये। इन वृत्तियों से ही आगे चलकर प्रकाश और विमर्श की धारणाएं निर्गत होती हैं। इन दो धारणाओं के द्वारा यहाँ सत की गतिशीलता को समझाया गया है। सत में जो स्वच्छत्व की बात बताई गई, स्वच्छत्व का अभिप्राय क्या है? नैर्मल्य। जो स्वच्छ है वो निर्मल है, और जिसमें जितना ज्यादा निर्मल, जो जितना ज्यादा निर्मल है उसमें प्रतिबिंबन सामर्थ्य उतनी ज्यादा है। यहाँ पर पूर्ण नैर्मल्य है, इसलिए सब कुछ प्रतिबिंबित करने की सामर्थ्य उस तत्व के स्वभाव में निहित है। प्रकाश, जब हम उसको प्रकाश कहते हैं तो प्रकाश का अर्थ है वो प्रकाशित भी होता है और प्रकाशित भी करता है। प्रकाशित होने के लिए उसे किसी बाह्य प्रकाशक की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वप्रकाश है। उसमें जो भी प्रतिबिंब पड़ रहा है वो उसको प्रकाशित करेगा। ये प्रतिबिंब किसका होता है? जो उसके अंदर विद्यमान है उसी का होता है। इसलिए इसको किसी बाह्य समर्पक बिंब की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जब दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको बाह्य बिंब की आवश्यकता होती, वैसे यहाँ पर कुछ भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि चेतना के बाहर वो जो सत है उसके बाहर प्रकाश तत्व, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई बाह्य बिंब की आवश्यकता नहीं है। इन प्रतिबिंबों की सत्ता उसके आधार के से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के ऐसे एक रूप होते हैं, वैसे ही ये प्रतिबिंब प्रकाश पक्ष में जो पड़ रहे हैं वो प्रतिबिंब उस प्रकाश तत्व से एक रूप है। जो कुछ भी इस प्रकाश तत्व में प्रकाशित हो रहा है उसी की सत्ता है, जो प्रकाशित नहीं होगा उसकी सत्ता नहीं है। तो इसलिए प्रकाश के द्वारा ही सत्ता की स्थापना यहाँ पर की गई है। प्रकाश ही सत्ता को देने वाला धर्म है। भाव अभाव सब इसी प्रकाश तत्व में प्रतिबिंबित होकर ही सत हैं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब प्रकाश रूप होकर ही सत हैं। सब इसी प्रकाश के अंदर अंतर्गर्भित हैं, लेकिन सामान्य रूप से इनमें कोई विशेष रूपता का निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए वहां सर्वता अंतर्गर्भित है जिसका कोई नाम और रूप नहीं है। सत को प्रकाश क्यों कहा जा रहा है? ये बताने के लिए कि सत चेतन है। इसी बात को बताने के लिए सत को यहाँ प्रकाश नाम दिया गया। ये प्रकाश की धारणा विज्ञानाद्वैत और शब्दाद्वैत में भी प्राप्त होती है, पर यहाँ इस संप्रदाय में इसका पल्लवन अपनी तरह से अपने चिंतन की विशेषताओं के आधार पर किया गया है। दूसरी वृत्ति है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब है स्वाभाविक छंदन। छंदन है उच्छलन, यही है इसका तरंगित होना। इससे इस स्वच्छंद की धारणा से विमर्श की धारणा निर्गत होती है। ये जो विमर्श की धारणा है वही सत की सर्जनशीलता का स्रोत है। सत की ये स्वरूपाधायक धारणा है। विमर्श का क्या अर्थ है? विमर्श का अर्थ है विशेष रूप से स्पर्श करना। जो भी प्रकाश पक्ष में प्रतिबिंबित हो रहा है उसके विशिष्ट रूप का निर्धारण इसी विमर्श का काम है। वो जिस रूप में उस प्रतिबिंब को ग्रहण करेगा प्रतिबिंब का वही रूप निर्धारित होगा। यह विशिष्टता निर्धारण वो वाक की सहायता से करता है। ये वाक बैकरी वाक नहीं है, ये वाक वाक का सर्वोच्च रूप है जिसे परावाक कहा जाता है। परा होने से वो पूर्ण है, सब कुछ कहने में समर्थ है। इसी का उल्लासन पश्यंती मध्यमा और वैखरी के सोपान में होता है। ये विमर्श के अपने स्वरूप में अनुस्यूत है। ये चेतना में विद्यमान अंतर शब्दन है जो सारे अनुभवों और परामर्शों का विश्रांति स्थान है। इसको ही अहम विमर्श भी कहा जाता है। यह विमर्श कई व्यापारों को करने में समर्थ है। प्रतिबिंबित आकार के स्वरूप का निर्धारण करता है, विविध आभासों का संयोजन करता है, वियोजन करता है, अनुसंधान करता है, और कभी कभी आत्मोत्तीर्ण भी होता है कि कुछ भी नहीं कर रहा, प्रकाश के स्वरूप में ही विश्रांत है। तो ये इस तरह
एक ही सत इन दोनों पक्षों के माध्यम से स्वरूप प्रतिबिंबन भी करता है और स्वात्म प्रत्यमर्शन भी करता है। इस तरह एक पूर्ण तत्व के रूप में वो उपस्थापित होता है। एक ही चेतना का अपना ही व्यापार प्रतिबिंबन भी है, प्रतिबिंबों का संयोजन भी है, वियोजन भी है, अनुसंधान भी है और उनसे उत्तीर्ण रहना भी है। इसी व्यापार के माध्यम से चेतना निरंतर नए नए रूपों को गढ़ने में समर्थ है, यही इसका स्वातंत्र। इस पूर्णता की धारणा से स्वातंत्र की धारणा निर्गत होती है। पूर्ण तत्व सभी ओर उच्छलित हो सकता है, इसीलिए इसको इसमें प्रकाश स्वातंत्र और विमर्श स्वातंत्र दोनों की बात की गई है कि दोनों रूप से इसको इस स्वातंत्र को समझाया गया। प्रकाश में सब भाषित होकर ही ज्ञात होता है, इसलिए इसे ज्ञातृत्व स्वातंत्र कहा गया। और तब जब उनका स्थूली भाव हो जाए तो वो क्रिया रूप में ज्ञान ही स्थूलता को प्राप्त करके क्रिया रूप में परिनिष्ठित होता है, तो तब ये स्वातंत्र होता है कर्तृत्व स्वातंत्र। आचार्य उत्पल जिस माहेश्वरी की बात कर रहे हैं वो इसी ज्ञातृत्वगत और कर्तृत्वगत स्वातंत्र का समग्र रूप है। इसी स्वातंत्र को स्वातंत्रमय महेश्वर को प्रतिभा कहा गया। प्रतिभा में विद्यमान भा धातु एक साथ इन दोनों व्यापारों को बता रही है। भा का अर्थ भाषण भी है, भा का अर्थ भान भी है। तो भाषण और प्रतिभाषण दोनों के यहाँ विद्यमान होने से प्रतिबिंबन और स्वात्म प्रत्यमर्शन जो है दोनों प्रक्रियाएं यहाँ विद्यमान है। यहाँ इस गति के लिए, इस गति को बताने के लिए, गतिशीलता को बताने के लिए एक और शब्द आता है, वो है स्पंद। पूर्ण तत्व में यह स्पंद मान्यता उसके स्वरूप में सदैव विद्यमान है, लेकिन इस स्पंद मान्यता से उसके स्वरूप में कहीं कोई कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जब आचार्य उत्पल के उस श्लोक में जिसमें बताया गया स्वच्छत्व और स्वच्छंदत्व वृत्तियों की बात की गई, उसी में एक शब्द आ रहा है अच्छन्न। अच्छन्न का मतलब है जहां स्वरूप का अतिरेक नहीं होता, किसी भी प्रकार के भाषण से उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पूर्ण तत्व में यह जो स्पंद मानता है वो सदैव विद्यमान है, पर उसके स्वरूप में उससे कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सागर में विभिन्न प्रकार की लहरें लगातार उठती रहती हैं, उसके अंदर विद्यमान रहती हैं, पर उससे उस सागर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब ये लहरें चेतना के अंदर विद्यमान लहरें चेतना के बाह्य स्तर पर आती हैं तो प्रतिबिंब का रूप लेती, अब विमर्श के द्वारा रूपायित होकर वो विशेष रूप में भाषित हो पुनः उसी चेतना में जाकर विलीन हो जाती है। तो चेतना स्वयं अपनी इच्छा से जो कि विमर्श ही है उनको बाह्य धरातल पर भाषित करती है, और ये भाषित करना उसका अपना स्वभाव है। इस चिंतन में शक्ति भी गतिशीलता की वाचक धारणा, इसका प्रयोग करते समय हमेशा उसे शक्तिमान की धारणा के साथ संयुक्त किया जाता है, जो इस दृष्टि को अन्य अद्वैतवादी मीमांसाओं से विशिष्ट बना देता है, क्योंकि गति की पृष्ठभूमि में यहाँ एक नित्य स्थायी तत्व को स्वीकृत किया जा रहा है जो चेतन होकर उस गति का संचालक है। ये दोनों मिलकर ही एक पूर्ण तत्व की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। जो पूर्ण होगा वो साभास भी होगा और निराभास भी होगा। जो पूर्ण होगा वो विश्वोत्तीर्ण भी हो सकता है और विश्वमय भी हो सकता है। तो ये जो शक्ति और शक्तिमान की धारणा है इसके द्वारा सत के इस पूर्ण स्वरूप को बताया गया, जिसमें कि जो सृजनशीलता है उसके स्वभाव में अनुस्यूत है। जब माहेश्वरी को कर्तृत्व और ज्ञातृत्व सामर्थ्य के रूप में विकसित करते हैं तो इस पूर्ण तत्व से किस तरह वैचित्र्य भाषण होता है इसकी प्रक्रिया समझाई जाती है। चेतना में सब कुछ विद्यमान है, उस अंतर्मग्न सर्वता का सब कुछ विद्यमान है लेकिन उसका कोई नाम रूप अभी नहीं है। तो उस अंतर्मग्न सर्वता का विच्छेदन कर किसी एक अंश को चेतना की ऊपरी सतह पर लाना, ये ज्ञान शक्ति का काम है। ये विच्छेदन अपोहन शक्ति का व्यापार है, और चेतना की वो सामर्थ्य जो
विविध अनुभवों के संस्कारों को अपने अंदर धारण करने तथा उस जैसी वस्तु का ज्ञान होने पर उन संस्कारों को पुनः जागृत करने में समर्थ है, उसे स्मृति शक्ति कहा गया है। यह प्रक्रिया भूत और वर्तमान के अनुभवों का एकीकरण करने के लिए आवश्यक है, तभी इस संप्रदाय की आधारभूत स्थापना प्रत्यभिज्ञा का प्रतिपादन किया जा सकता है। प्रत्यभिज्ञा यहाँ सभी ज्ञानों और अनुभवों के आधार रूप में प्रतिष्ठित है। ये जो तीनों शक्तियां हैं, अपोहन शक्ति, ज्ञान शक्ति और स्मृति शक्ति, ये अपोहन शक्ति का व्यापार सबसे पहले होता है, विच्छेदन होगा तभी ज्ञान के द्वारा उसका उन्मग्न होगा और स्मृति शक्ति के द्वारा उसको संस्कार के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन स्मृति शक्ति जो जिस क्रम से आचार्य उत्पल इनका विवेचन करते हैं, पहले वो स्मृति शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति और फिर अपोहन शक्ति को का विवेचन करते हैं। ये जो तीनों शक्तियां हैं, ये शक्तियां मतलब सामर्थ्य, ये तीनों प्रकार की सामर्थ्य विमर्श के ही तीन पक्ष, क्योंकि सारी गतिशीलता की कुंजी विमर्श में ही विद्यमान है। वो विमर्श इन तीनों व्यापारों के माध्यम से ही अपना स्वात्मा विमर्शन की अपनी प्रक्रिया को पूरा करता है। कर्तृत्व शक्ति की जब बात की जाती है तो कर्तृत्व शक्ति है सृजनात्मिका शक्ति। सृजनात्मिका शक्ति अर्थात आभासन की शक्ति। यहाँ दो प्रकार के आभासन हो रहे हैं, जीवाभास और जड़ाभास। जीवाभास है चिदाभास और जड़ाभास है अचिदाभास, जो यहाँ के शास्त्रों में इसको कहा गया है। और ये सर्जन दो स्तरों पर भी घटित होता है, इसकी बात भी कही गई है कि प्रकाश के स्तर पर भी घटित हो रहा है और विमर्श के स्तर पर भी घटित हो रहा है। प्रकाश में विविध अर्थ प्रकारों का भाषण हो रहा है और विमर्श के स्तर पर विविध परामर्शों का भाषण हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर सत में सर्जना सत के स्वरूप में ही अनुस्यूत है। आभासों का जो अविच्छिन्न प्रवाह यहाँ पर चेतना के अंदर निरंतर विद्यमान बताया गया है, उनको आंतरिक स्तर पर उन आभासों को पृथक्तया आभासित करना। पहले तो अभी वो सब एक एक साथ थे, अब यहाँ पर उनको पृथक रूप में आभासित करने का काम कर्तृत्व शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ये कर्तृत्व शक्ति इस काम को कैसे करती है? दो शक्तियों के माध्यम से, एक है काल शक्ति और दूसरी है क्रिया शक्ति। अनेक आकारों का एक साथ भाषण करना, जब अनेक आकारों को कहीं एक साथ भाषण करती है और कहीं क्रम से भाषण करती है। जब एक साथ भाषण करती है तो देशक क्रम का भाषण होता है, जब क्रम से भाषण करती है तो कालक क्रम का भाषण होता है। इसी तरह से ये काल शक्ति का काम है। इन आभासों की इस सतत धारा का, निरंतर जो आभासों का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, एक के बाद एक आभास जो घटित हो रहे हैं, उनकी इस सतत धारा इतनी तेजी से आभासन होता है कि हमें स्थिरता का बोध होता है। ये काम है क्रिया शक्ति, क्यों किसी भी क्रिया में विविध क्रियाओं को इस तरह बुद्धि के द्वारा जोड़ा जाता है कि सब मिलाकर एक ही क्रिया घटित होती हुई दिखाई देती है। संबंध, सामान्य, दिक, काल आदि की जो धारणाओं का भाषण इसी क्रिया शक्ति के द्वारा किया जाता है। ये सारे पदार्थ यहाँ बौद्ध पदार्थ माने जाए, मतलब बुद्धि के द्वारा एकता पर आरोपित, क्षणों की एकता पर आरोपित किए गए ये पदार्थ हैं। शक्ति होने से ये जो अपोहन शक्ति ज्ञान के स्तर पर विच्छेदन का काम कर रही थी, और ये जो काल शक्ति है ये क्रिया के स्तर पर विच्छेदन का काम कर रही है। तो अब ये शक्ति है, ये कर्तृत्व भी शक्ति है और ज्ञातृत्व भी शक्ति है, तो ये दोनों ही शक्तियां विमर्श का ही कर्तृत्व है, क्योंकि सारी सृजनशीलता उसी विमर्श के धारणा में ही निहित है, इसलिए उसी के व्यापार का ये प्रसार। यद्यपि पहले सृजन होना चाहिए और तब ज्ञान, यही युक्त युक्त लगता है, पर यहाँ सर्जन भी संविद या चेतना के अंदर ही घटित हो रहा है, अतः वो प्रक्रिया ज्ञानात्मक है। इसी कारण आचार्य उत्पल पहले ज्ञातृत्व पक्ष को समझाते हैं और तब कर्तृत्व पक्ष को समझाते हैं।
क्योंकि सर्जन यहाँ है विमर्शांश के द्वारा प्रकाशांश का अभिलंबन। क्रिया ज्ञान का ही पल्लवन है, ज्ञान ही क्रिया के रूप में पर्यवसित होता है। इस दृष्टि को मानने से यह विवेचन तर्क संगत प्रतीत होता है। सत की सर्जनशीलता का विस्तार जो या सत को सर्जनशील धारणा के रूप में विकसित किया गया है, इसका विस्तार यहाँ के आभासवादी चिंतन में भी दिखाई देता है। चेतना स्वप्रकाश है, पहले अपने अखंड स्वरूप का विच्छेदन करती है अपोहन शक्ति के द्वारा, और तब क्या होता है, एक आभास का भाषण होता है और उस समय अन्यों का अनाभासन रहता है। एक आभास एक समय में एक ही आभास भाषित हो रहा है तो बाकी सब उसमें तिरोभूत हैं। इसके लिए वो पूर्णता का पहले तिरोधान करती है तब विच्छिन्नता का भाषण करती है। प्रत्येक भाषित प्रतिबिंब चेतना का ही आभास है, ये आभासों का प्रतिबिंबन चेतना में निरंतर घटित हो रहा है। उस प्रतिबिंबित आकार को विमर्श पहले एक नाम देता है, सामान्याभास। अब पहले एक नाम देता है जिससे ये अब सामान्याभास के रूप में भाषित होता है। जब उसमें अभी तक तो उसके पास नाम भी नहीं था, कोई विशिष्ट रूपता भी नहीं थी, विमर्श ने उसको नाम दिया तो उसका एक रूप भाषित हुआ। जब उसमें कालाभास का संयोजन होता है तब वो विशिष्ट आभास बनता है। पहले विमर्श ने एक शब्द दिया तो वो सामान्याभास बना, अब देशाभास जुड़ा जिससे उसका रूप थोड़ा सा और, अब उसमें कालाभास संयोजित हुआ जिससे वो एक विशिष्ट आभास बना, तब इसकी संज्ञा हो गई स्वलक्षणाभास। और अब देशाभास जुड़ा जिससे उसका रूप और स्फुट हो गया। इसी तरह इसमें और नए नए आभास जुड़ते जाते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी भाषित हो रहा है सब आभास है, चेतना का अपना आभास। तो अब प्रमाता अपनी रुचि प्रयोजन और व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अर्थात ज्ञान के अनुसार जिस प्रकार के आभासों का उससे संयोजन करता है उस उतने विभिन्न रूपों का भाषण होता है, पर उस सामान्याभास के मूल स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल ध्यान यह रखना है कि विजातीय आभास का संयोजन चेतना नहीं करती, क्योंकि तब लोक व्यवहार की सिद्धि संभव नहीं है। ये सारा आभास संयोजन विमर्श का ही व्यापार है। जिस तरह सत्ता के स्तर पर चेतना के द्वारा ये आभासों का संयोजन किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के स्तर पर भी ये संयोजन की प्रक्रिया निरंतर घटित होती है। जागृत अवस्था में प्रति क्षण नया नया ज्ञान घटित होता रहता है, विषय बदलता है तो ज्ञान भी बदलता है। इस तरह चेतना में प्रतिक्षण नया विषय प्रतिभासित होता है, अतः ज्ञान भी प्रतिक्षण नवीनीकृत होता है। ये मानते हैं कि लोक व्यवहार विकल्पात्मक ज्ञान से ही संभव होता है और विकल्पात्मक ज्ञान से पूर्व निर्विकल्पक ज्ञान का होना आवश्यक है। यद्यपि ज्ञान की प्रक्रिया इतनी तेजी से घटित होती है कि यह भेद पकड़ में नहीं आता, निर्विकल्पक ज्ञान के क्षण में सब कुछ प्रमाता से एक रूप रहता है। इससे यह निष्कर्ष है कि हर ज्ञान में प्रमाता का भी नवीनीकरण होता है। इस तरह से प्रतिक्षण अभिनव रूप से प्रमाता भी भाषित होता है, उसका ज्ञान भी प्रतिक्षण नवीन रूप से भाषित होता है और वो विषय भी प्रतिक्षण नवीन रूप से भाषित हो रहा है। इसी तरह जड़ाभास, ये तो चिदाभास की बात हो गई, अब हम जड़ाभास को ले लें। चिदाभास मतलब जीव, जीवाभास, और जड़ावास जो है वो अचिदाभास जिसको कहते हैं, अचिद जिसमें की चेतना इतनी ज्यादा स्थूलता को प्राप्त हो गई है कि वो नगण्य है। तो ये जो जड़ावास है वो भी कई आभासों का संघात है। प्रत्येक आभास को ग्रहण करने के लिए एक भिन्न प्रत्यक्ष व्यापार आवश्यक है। प्रत्येक आभास की अर्थक्रिया उसके विकल्पात्मक ज्ञान पर निर्भर है और ये विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाता की रुचि व्युत्पत्ति और प्रयोजन के आधार पर ही घटित होता है। इसी आधार पर वो आभासों का संयोजन करता है जिससे वो सारे आभास मिलकर उसके अनुसार एक अर्थक क्रिया की पूर्ति करते हैं। और एक ही वस्तु अलग अलग प्रमाताओं के द्वारा अलग अलग तरह से ग्रहित हो सकती है और इस कारण से उसकी अर्थक क्रिया में भेद हो सकता है। जिस तरह वे आभासों का संयोजन करते हैं
वैसे ही अर्थ क्रिया की सिद्धि होती है। पर यहाँ भी वस्तु का मूल स्वरूप जो सामान्य भास है वो अपरिवर्तित रहता। प्रत्यभिज्ञान की प्रक्रिया में भी ये चेतना की गतिशीलता स्पष्टतर दिखाई पड़ती है। हमारी चेतना किसी भी वस्तु के एक अंश का प्रत्यक्ष कर उसके माध्यम से उससे जुड़े सभी भूतकालिक अनुभवों को, सूचनाओं को उससे एक एक कर जोड़ती जाती है। और अंत में जब मन उस ज्ञान से संतुष्ट हो जाता है तब उसकी व्यग्रता शांत हो जाती है और उसको प्रत्यभिज्ञान हो जाता है कि मैंने इसे जान लिया है। यही हृदयंगमन व्यापार है। यह यहाँ की समस्त ज्ञान प्रक्रियाओं का स्वाभाविक अंग है। इससे ज्ञान स्फुटतर होता जाता है। इस तरह इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि यहाँ हर स्तर पर सत की गतिशीलता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और ये दार्शनिक मीमांसा सत की सर्जनशीलता को आधार बनाकर उन सारे प्रश्नों का सरलता से उत्तर देने में समर्थ होती है जिनका उत्तर वे तत्व मीमांसाएं नहीं दे पाती जो गति को सत के स्वरूप से बाहर रखती है। धन्यवाद। मैं बस यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मैम। मुझे लगता है कि मनुष्य की चेतना और उसकी आत्मवृत्तियों का इतना सूक्ष्म और बारीक विश्लेषण जिन मनुष्यों ने किया हमारे लिए, मतलब वो टर्मिनोलॉजी ही, वो शब्दावली ही बड़ी विचित्र है। तो उन्होंने जो काम किया उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। आपने बहुत विस्तार से और बहुत सूक्ष्म ढंग से उत्पल देव और अभिनव गुप्त की स्थापनाओं को, मनुष्य की चेतना, और मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है सत की गतिशीलता। मुझे लगता है हमारे समय और समाज में सबसे अधिक इसी की जरूरत है। मतलब सत गतिशील होना ही चाहिए और सत की कोई अंतिम अवधारणा नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थापना है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि दूसरा पत्र भी पहले सुन लिया जाए आपकी अनुमति हो तो, और इस पर विवाह वाद विवाह संवाद बाद में करें। मैं दूसरे वक्ता को डॉक्टर निहार पुरोहित है उनको आमंत्रित करता हूँ और बहुत संक्षेप में उनकी औपचारिक शिक्षा तकनीक और प्रबंधन में, और वे बाद में इस और प्रवृत्त हुए। एक खास बात उनके संबंध में ये भी है कि वे साधक भी, उन्होंने कई गुरुओं से ये शिक्षा प्राप्त की है और आज वे जिस विषय पर बोलेंगे वो है पूर्णता, ए फाउंडेशनल पैराडाइम। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बात शुरू करें और उसके बाद, क्योंकि थोड़ा समय तो है आज, तो हम उसके बाद इस विषय पर संवाद करेंगे। डॉक्टर निहार पुरोहित। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुत्तरं परं देवं स्वतन्त्रं चिन्मयाद्वयम्। अनुत्तरं परं देवं स्वतन्त्रं चिन्मयाद्वयम्। निराशंसं निजानन्दम् वन्दे स्वात्ममहेश्वरम्। वन्दे स्वात्ममहेश्वरम्। वन्दे स्वात्ममहेश्वरम्। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू हियर मीरा जी, एंड is always whatever she talks is very condensed and full of sar essence. And before I begin, I would like to acknowledge what
Professor Makran ji said, and it's very dear to my heart. He said that he talked about Atma Veda, how all the four Vedas are abiding in this Atma Veda. So I feel this understanding, as we study the scriptures everywhere, it's about this experience. So we should never forget, because for me, the reason why I started studying was because of the experience. I got the experience first through my guru, and then I entered these studies, studied it formally to really understand and experience for me, because this is very real for me. As I study the scriptures, the purpose of the scriptures help me is, when I study the scriptures, it clearly defines the states. So when I'm experiencing a certain state, I actually know what I'm experiencing, because many times I've seen people have experiences, but they don't recognize it. So Prakash is there, Vimarsha is not there. It doesn't work. So with Vimarsha to be present, this study is very important for me. So that's why I consider what Professor Makaranji said very, very important. That self-experience is important and all knowledge abides in it. Thank you so much for bringing it up and bringing the whole Shantarasa in such beauty. Because the when we are talking about Purnata, we talk about the Shantarasa, we talk about abiding in this Shantata. Purnata has been the foundational paradigm of Indian ethos. It has always been the core of Indian values and way of life from ancient time. So for the Vedic as well as Agamic traditions, Purna is both the beginning point from which everything comes and the goal of their pursuit. Purnata is the abstract noun of Purna. Purna is derived from the following roots with their respective meanings. Pr palana puranayoh, to care, to support, to nourish. Pr purane, to fill, to complete. Puri apyayane, to nourish, to fill, to gratify, to please, to satisfy, to nurture and cherish. Purna sanghate, to combine, to collect, to unite. The core meaning of pur from purna is derived to denote sustenance, fullness, self-sufficiency, perfection, self-containedness, completion, wholeness, unity, and plenitude. From the above derivations, we can conclude that Purnata is a state that unites, nourishes, and satisfies. That is self-sufficient, self-sustainable, and whole in nature. That is full, complete, perfect, and is plenitudinous in nature. During an illuminating discussion with my revered teacher, Professor Navjivan Rastogi, he shared an important insight that in turn Mahamohapadhyaya Gopinath Kaviraj shared with him during their discussion. Kaviraj said, philosophy as a whole has only one problem, which is same of sadhana, spiritual practice. How do we come from akrama to krama, non-succession to succession? And how do we go back from krama to akrama, from succession to non-succession? All Indian philosophies have addressed this problem in their own way, even when they were not conscious about it. In almost all these philosophies, we find a reference to moksha, liberation, which is in some way freedom from temporality and speciality. The genesis of all differentiation, hence akrama, non-succession. There is another central problem that can be added to the above. I share it with my revered teacher, Professor K.D. Tripathi, who holds this statement of Bhartrihari in highest esteem. The statement goes like this. It's the vritti on verse 5 of Vakyapadiyam. Mama aham ityahankara granthi samatikrama matram
ब्राह्मणः प्राप्तिः. नाउ यू सी समतिक्रम मात्रम ऑफ दिस ग्रंथि कॉल्ड अहंकार टू ओवरकम दिस ग्रंथि ऑफ अहंकार टू ओवरकम दिस ग्रंथि और द नॉट ऑफ मम एंड अहम आई एंड माइन the whole world that we create is only because we recognize ourselves as I and mine. The moment I say I, then this comes into the picture. But if we really recognize ourselves as pure light, pure consciousness, then this doesn't remain. There is no other that remains. So the problem of ahankara forms the core of Indian philosophy. So I put it like this, this journey of spiritual sadhana is from ahankara, individual I, to aham bhava, universal I. There are different views expressed in different schools of Indian philosophy, which may be stated as follows. Sankhya views bondage is arising from the absence of viveka, the contrariety or reversal of the nature of Purusha and Prakriti. Insentient Prakriti appears to be sentient, and the Purusha appears to be as if insentient, jada. According to Advaita Vedanta, it is caused by avidya or ajnana, which is the power of maya, through adhyasa or superimposition. Now, according to non-dual Kashmir Shaivism, the reason for contraction, sankocha, is caused by free will, swatantra, of Shiva, and not by any power extraneous to Shiva. It is he who opts out of his own nigraha. Nigraha is his own shakti. Concealment is his own shakti. Thus, there are two stages according to Trika that comes into picture. One is kritrim ahanta, impure eye or limited eye. Another is purna ahanta or pure eye. Impure eye or limited eye is endowed with savikalpata, that is differentiation or determinate thought construct. Pure eye is the state of nirvikalpa. So the sadhana, spiritual practice, consent in transforming impure thought construct, ashuddha vikalpa, first into shuddha vikalpa, pure thought construct, and then shuddha vikalpa to nirvikalpa. You see, it's very common. Mantra is used in every sadhana, and mantra is form of shuddha vikalpa, which leads the seeker to dissolving of vikalpas as a result. The state of nirvikalpa is known as purnahanta, perfect self-reflecting awareness. Miraji very well talked about it. Now this state can be recognized by various upayas. One mantra that comes to my mind which speaks about plenitude is the Shanti mantra from Isha Upanishad. And we all have heard about it. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om, that or the reality is the embodiment of fullness. This visible world is also of the nature of fullness. From the reality, the embodiment of fullness, the world which is infinite, emanates. Thereafter, the fullness of the nature of reality remains as it is, as it was before, even after the emergence of world which is fullness embodied. So this world is fullness embodied. It is the form of Shakti. It is the form of Shiva. So we are actually looking this mantra from a Trika perspective. We are commenting and understanding it from a Trika perspective. Pandit Gopinath Kaviraj, commenting on this mantra, says, this mantra describes the integral nature of the Supreme Reality in terms of fullness, which is beyond the grasp of the finite mind of man. The Supreme Reality is always full in itself, the one without a second. Therefore, it is self-subsistent and always independent. It does not suffer from any way or any want or deficiency. It is present everywhere when we look at it from the worldly point of view, at all times as the embodiment of fullness.
It is the locus of both creation and dissolution of the world that is going on eternally due to its innate power, without affecting in the least its integral nature. It is always paripurna, one whole. Looking from the level of creation, it has two aspects. One that underlies the entire manifestation of the world as the immanent reality. As the immanent reality, therefore capable of being apprehended by the finite mind, there are so many things which come to our mind. This aspect is denoted by the word idam in the mantra. And the other aspect, which is beyond the reach of mind, therefore indicated by the word adah in the mantra. As a matter of fact, there is no difference between these two aspects of the nature of Supreme Reality, because what once appears as within the reach of mind, due to its becoming perfect instrument of cognition and the consequent expansion of its capacity, may well go out of the individual grasp when the power of mind contracts. The individual reality, however, remains the integral whole, paripurna, at all times. It is immutable and formless, yet appears to be ever-changing and having a form. Attributeless, yet with all attributes, far yet near, all-pervasive yet transcendent. All contradictions dissolve in its being, and all that emerges from it is also of the nature of all-inclusive fullness. It can be compared to the shunya, which symbolizes infinity in the field of mathematics. Any addition does not make any change, as it remains the immutable infinity. Thus, the Supreme Reality, Brahman, is the integral fullness which follows from its self-subsistent independent nature. The universal being and the transcendent being are not mutually exclusive, one denying the other, but are held to be simultaneous or concurrent. Purnata or Purna is the samarasya, union of both. Purna is that in which both shine. The ultimate reality is one when it has the self experience as pure I. It is then self-contained purna, resting in itself, swatma vishranta, and beyond all manifestation, nirabhasa. Subsequently, in order to manifest itself as many, it divides itself into two, the pure I, aham, and pure this, idam. Now still it is pure. It's like a painter and he's observing the painting inside. He has not come out. The painting has not come out on the canvas yet. The pure eye symbolizes its form as pure subjectivity, which in that stage is universal and full in nature. The pure this, idam, also represents it in the form of objectivity. That is universal too and full in nature at that stage. Abhinav Gupta makes this point clear when he states in Tantra Loka, the Supreme Lord, because of his innate freedom of will and fullness, shines in myriad forms without undergoing any limitation whatsoever in his form. The Upanishadic thought enshrined in the sacred utterance Mahavakya Sarvam Khalvidam Brahma finds an echo in the following verse of Mahabharata, Shanti Parvan, and also in Yoga Vashishta, which embodies the approach of Purnata. Yasmin sarvam yatah sarvam yah sarvam sarvatashchayah yascha sarvamayo nityam tasmai sarvatmane namah. To that omniferious one I bow, in whom lies all, from whom all begins, who is all around, and who is always constitutive of all. Acharya Ramakantha has also quoted this verse in his commentary entitled Sarvato Bhadra on Srimad Bhagavad Gita, and so did Acharya Abhinav Gupta in Paratrishika Vivarana.
Abhinav Gupta Pada illuminatingly elaborates the Purnata approach of this verse. He begins with Yataha Sarvam, that is, from whom proceeds all. And after elaborating the expansion of manifestation from the divine, he concludes in keeping with the ontology of Paratrishika Vivarana with the following remark. He says, that from which proceeds Kaulika Vidhi is Anuttara. Kaulika has been previously explained as that which is of the nature of Kula and Akula. Vidhi means the great manifestation, Maha Srishti. This multitude of objects is of the nature of Shiva and Shakti. Shiva, whose characteristics is both is universal creative pulsation, Samanya Spanda, and Shakti, whose characteristic is particular creative pulsation, Vishesha Spanda. It is only of one form, yet the Lord has separated it just for aid of teaching. But in reality, it is only one, that is Anuttara, who is the essence of the creative energy, the autonomous I consciousness. Then he takes up Yasmin Sarvam, that is, in whom resides all this, and sums up his argument by saying, in that universal Bhairava consciousness, the entire manifestation, Kaulika Vidhi, lies clearly as at rest, Spashtaha San. After this, he takes up Sarvatashchayaha, who is all around, and concludes with the following remark. This is very important. He says, whether in the initial stage of Para or the final stage of Apara, that is Vaikhari, both of which are the expression of revered Parashakti, and also in the stage of expansion in the form of Parapara, that is in Pashyanti and Madhyama forms, it is throughout the display of immutable Anuttara. Now you see, this is the Purnata approach, viewed through the concept of vak or speech. Then he takes up Sarvat Sarvam Yaha and aptly quotes in this connection a line from Sri Somananda, where he says, that which is existence is the highest reality. That which is existence is the highest reality. The universe is of the nature of that reality. Therefore, everything is Shiva. Finally, he says that it is Anuttara who is constitutive of all and to whom we bow as the all. Yascha sarvamayo nityam tasmai sarvatmane namah. This interpretation is the highest postulate of metaphysics and at the same time, the highest spiritual practice. Hence, that from which this universe proceeds, that in which it rests, that one alone, the eternal, the one whose nature cannot be veiled by, which is because it is self-luminous, saprakasha rupa, which can never be denied, is Anuttara, the unsurpassable absolute. The concept of Purnata is very well expressed in different benedictory verses of Advaitic Kashmiri Shaivite texts. I would like to make a special reference to Paramartha Sara, Ishwar Pratyavijna Karika Vimarshini, and Paratrishika Vivarana. They illustrate how Trika philosophy embodies the spirit of plenitude. Benedictory verse of Paramartha Sara states, Param parastham gahanadanadim ekam niveshtam bahudha guhasu sarvalayam sarvacharacharastham tvameva shambhum sharanam prapadye. I take refuge in you alone, O Shambhu, who are beyond Maya, transcendent, without beginning, one, existent in all beings in myriad forms, refuge of all, and immanent in all animate and inanimate creation. Here our focus is on these few words, Param, Sarvalayam, and Sarvacharacharastham. Param explains the transcendence of ultimate reality.
Sarvalayam and Sarvacharacharastham reflect its eminence. Jayaratha, Acharya Jayaratha, commenting on it, says, Purne Sarvamasti. Sarvatra Purnamasti. Anyatha Asya Purnataiva Nasyat. In plenitude, Purna exists everything, Sarva. And hence, plenitudinous consciousness pervades everywhere. Otherwise, such a state would not exist. In this non-dual doctrine, Sammit itself is everything, Sarvam. It becomes the Vakta, speaker, or you can say the Guru, as well as the Shrota, or the listener, or a disciple. It is the object of plenitudinous consciousness, and it expands itself as both. At the same time, it comes to a grosser level. It sustains, it also sustains itself at a subtle level. From the perspective of speech, it descends from the non-dual para stage to dual cum non-dual pashyanti stage, and then dual vaikhari stage. Now look at the benedictory verse of Vimarshini. It's really beautiful, as it not only states the absolute state, but at the same time it shares the process as well as the cause of manifestation. Abhinav Gupta says, Nirabhasat purnadahamiti purabhasayati yad dvishakhamashaste tadanucha vibhantum nijakalam swarupadunmesha prasarana nimesha sthitijushash tadadvaitam vande parama shiva shaktyatma nikhilam. We say, beginning from nirabhasa, concluding in nikhilam. I bow to that absolute, potentially omniferous, nikhila, non-dual advaita paramashiva of the nature of pure light, in whom shakti is completely interiorized, shaktyatma. From the state of effulgence, devoid of any manifestation, nirabhasa, the state of plenitude, Purna, who first manifests as pure I, nirabhasat purnat aham, and then through his will divides its power into two, I and this. That absolute, out of his nature of plenitude, expands, comes forth, and manifests as everything, from Shiva to earth, all 36 tattvas, and again merges back into its nature of oneness. Key terms which define and elucidate Purna are Nirabhasa, also sometimes, but there is another part of Veda, in place of Nirabhasa is Nirasamshat. So Nirabhasa, Nirasamsha, Aham and Nikhilam. The absolute is devoid of any manifestation, Nirabhasa. Rather, it is beyond manifestation. Purna is that which is beyond the description of abhasa and anabhasa. In this verse, he begins with Purna and also ends with Purna. Begins with Nirabhasa and with Nikhila. Nirabhasa is another explanation of Purna, and Nikhila defines Purna. This is a fine example of Abhinav Gupta's hermeneutical procedure of whole Vimarshini. Jayaratha defines Nirabhasa as Swatmani Avasthitaha, one which is always established in its own self. It rests in its own self as it is ever risen, Satatodita. It is ever shining but beyond all appearances and hence pure. Purna, perfect, and Shuddha, pure, which means undisturbed or unagitated, are used synonymously here. The absolute state is also nisprapancha, which is defined by Jayaratha as avibhinna avastha bhavaha, that which is never separated from its nature, and hence it has no trace of duality, and hence purna. For anything to be perfect, it has to be devoid of desire, nirasamsha. With desire comes emptiness, hence division, and therefore duality.
So that which is nirasamsha is purna. One becomes devoid of desire only when there is nothing more to know, and it can only happen when one is resting in one's own self. When there is the experience of oneness of pramata, subject, and prameya, object, this is being perfect. It is being one with the ultimate reality that is of the nature of light. Now let's talk about aham. I consciousness or aham is the first manifestation or representation of purna. Nirashanshat purnat aham. In the beginning, the first ever manifestation is aham, which is emanation or emergence of purna. Aham is contained in purna. And the model of aham is one of the most important models in order to understand the essence of Trika philosophy. One can very well say that without this concept, complete activity of manifestation, sustenance, and dissolution becomes redundant. Every category owes its existence to this model. Just like in the opening verse, nirasamshat purnat ahamiti. From purna comes aham. Now, Acharya Bhaskar in his commentary defines this aham as swantargatam aham vimarsha yuktam shakti bhagam. The self of the nature of Shiva, where the shakti is in its inherent self-reflective I-consciousness. So it is understood that from I comes this entire manifestation. From one comes two, from two comes many. From a practical point of view, although in the experience of this computer shines or the jar shines, the light of consciousness is related to the object. Yet it is the light of consciousness. This light of consciousness which is shining the object as its own essential nature. We are focused on the object when we see, but the truth is we as consciousness are allowing the object to shine in us. It is the light of consciousness itself which shines the object, which shines as the object. Because the object always shines on the background of the subject, on the bhitti or screen of subject. The same idea is found in Veda. All shines after him. Tasya bhasa sarvamitam vibhati. All shines after him who is ever shining. All this shines with his light. Self-reflective awareness as aham is the sole ultimate resting place for all that manifests as universe. This is the established principle of Trika philosophy. Supreme I consciousness fills everything inside out as it experiences everything as itself, even when it manifests manifold in nature, whether it is non-dual come dual, or dual manifestation. Everything at all times takes repose in this supreme I consciousness. The term Nikhila includes everything. When you talk about Nikhila, Parama, Shiva, Shaktyatma, Nikhilam. Now every single term we are talking is all interconnected. You can see them individually and then you can see them as a whole. This Nikhila, when you experience I as Nikhila, it includes everything, sentient and insentient, the totality. It means unity of Parama, Shiva and Shakti. Purna means that which permeates all the 36 categories as well as that transcends it, which is of the nature of pure light. This light is the source of all. It is self-luminous and hence perfect. So here comes a way to establish this integral dynamism, the process of emanation, srishti, the principle of sarvam sarvatmakam is meticulously followed. Everything is of the nature of everything. The 36 tattvas take repose in Paramashiva. The potential is in Paramashiva and that is expressed as Abhasa in all the tattvas. In Abhasa, Paramashiva also permeates the earth. Every manifested object has its cause subtly present within itself. Lower system flows from higher system and higher system permeates the lower system. Even though the cause, karana, and effect, karya are different, they penetrate each other. Otherwise,
there would not be any unification. Therefore, the tool of Karya Karan Bhava in the form of Sarvam Sarvatmakam. Miraji beautifully talked about this, about Swatma Vimarsha, about how Prakash and Vimarsha. It's so beautiful the way we understand the dynamism only when we understand everything is of the form of Shakti. Shakti brings this dynamism in this Purnata. The term Anekabhasa Sambhinna explains Nikhilam. Purna also means combination of varied manifestation. Anekabhasa Sambhinna. This is classic strategy of Abhasavada. There should be synthetic unity of purpose. That is, just with one word book, we create all different components. We integrate them with the reference of three things. Our liking, the knowledge, the content that resides in the book. The strategy is to show a non-dual relationship between the manifestation, prapancha, and the absolute. The Trika philosophy says, manifestation is of the form of Shakti. Shakti gives dynamism that while introducing change, it keeps its identity intact. Any form is considered to be Purna only and only if it is Swaprakasha Rupa. It is self-illumined. So Swaprakasha defines Purnata. This Prakasha, the self-luminous enlightening existence, is the only one reality. Since no other Prakasha different from consciousness exists at all, Prakasha is the only single independent existent reality. With Swaprakasha comes the strategy of Prakasha and Vimarsha, the relation of Prakasha and Vak, language or speech. The nature of Prakasha is Vimarsha, and Vimarsha is Vak. Therefore, nature of Prakasha is Vak. You see how beautiful. Language is defining the reality. See how the whole world is integrated as one whole. We have been repeatedly said that we cannot define reality with language, but here we are saying language is the nature of reality. It's so beautiful. We want to remove this gap that is between language and reality. We are developing the tool to unify word and meaning. Very samarasya, no? Both. Vahagartha viva sampritta. This is the Purnata approach, where the reality is viewed in its totality. The manifestation of language is as real as its meaning. We see it when in Tantra Loka, we see the creation of Varna, phonemes from Anuttara, Icha, Unmesha, A, E, U, and so on. Benedictory verse in Paratrishika Vivarana is also very important, which we are omitting here due to lack of time. It has great and very important terms to discuss like Khejari Samata, Visarga, Hridayam, Amrita Kulam, etc. In the 20th century, Mahamohapadhyaya Acharya Rameshwar Jha wrote a book entitled Purnata Pratyavidya, which is a treatise of its own kind on the Pratyavidya philosophy. It summarizes whole of Trika system keeping two core terms, Purnata Pratyavidya, at the center. He presents the whole of the Trika philosophy in just two words, Purnata and Pratyavidya. Ideally, to understand this whole thought of Purnata, it's very important to understand Pratyavidya. Because for me, this thought has been really revealing as well as illuminating. If we ponder on it, we can understand that the goal of spiritual practice is to attain plenitude, Purnata. And the means to attain this goal is Pratyavidya. Now, the interesting fact is that Pratyavidya is goal as well as the means. It is very important to discuss the concept of Pratyavidya. Mode of our knowledge is recognitive. But I feel at present we do not have enough time to go in depth to discuss this further. Yet, to understand Purnata, when you see Pratyavidya, it helps you understand the process of Vimarsha. The self-reflective awareness as to how there is always samarasya, union of prakash and vimarsha, union of jnana and kriya, even at the most gross level. When I'm talking to you,
inner kriya is always happening. When I am walking, kriya is happening because there is this jnana which is always at the backhand. So now I'll just conclude with this following. We began our discussion with identifying the core problem of Indian philosophy, how we come from akrama to krama and how we go back from krama to akrama. We also reflected on the problem of ahamkara. Then we, for the understanding, we understood the real meaning or a perception of trika to understand the mantra, Shanti mantra of Veda. We focused on the Shanti mantra, Om Purna Mada. Then we saw the interpretation of Acharya Abhinav Guptapada of a famous verse of Mahabharata that embodies the approach of Purnata. Then we saw some terms from benedictory verses which defines, explains, and elucidates the paradigm of Purnata. Along with those terms, we also saw various strategies the system offers to substantiate the integral dynamicity, like the strategy of Abhasavada, the process of emanation, the tools of Karyakarana Bhava, Prakasha Vimarsha, and how knowledge is of the form of recognition. Then we saw the whole trick of philosophy can be summarized just in two words, Purnata and Pratyabhijja. Thus, we can conclude that in trika system, Purnata can be translated as non-dual integral dynamism. It is non-dual since the ultimate reality can never lose its real nature. That is of the form of absolute light consciousness. It is integral as it permeates both immanence and transcendence. It is dynamic because this ultimate reality follows the dictum sarvam sarvatmakam in totality. That is, the highest principle is as really present in Prithvi Tattva as much it is in the Shiva Tattva. Every karya effect remains in its karana, cause, in a seed form. The cause of entire manifestation is Shakti. The entire universe abides in Shakti in its seed form, and Shakti is always in constant union with Shiva. This ultimate reality, which has constant union of Shiva and Shakti, is named Anuttara. Trika philosophy asserts that reality is attainable here and now, not somewhere, in some distant place, under some set conditions. This is because it is not different from our own self. Rather, it is just a moment away from recognition. Iti Shiva. मैं क्या टिप्पणी करूं, अद्भुत और अनिर्वचनीय। मुझे लगता है कि एक सिद्धांतकार जिस तरह अपनी बातें कहता है और एक साधक अपने अनुभव के साथ जिस तरह से अपनी बात कहता है वो सचमुच बहुत अद्भुत है। एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं और एक शब्द भी कम नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निहार पुरोहित। मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी वो हम सब के लिए आदर्श है एक तरह से। मैं क्योंकि समय कम है, मैं इसको संवाद के लिए खुला करता हूँ मंच। आप यदि दोनों वक्ताओं से कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो। हमारा ये सत्र 11:30 बजे तक है और आप खुलकर अपनी बात कहें। धन्यवाद। Can you hear me? Yes, sir. Yes, yes. In Trika system, it is said that dynamism is due to Shakti. In Vedant, it is said that dynamism is due to three gunas. Now, does it mean that three gunas of Vedant is same as Shakti of Trika? सर अनम्यूट करिएगा, माधव सर अनम्यूट कर। हाँ डॉक्टर पुरोहित, आप टिप्पणी करें।
See, the beauty of Kashmir Shaiv is that creation of the Jada is Prakriti. And Prakriti is, as you know, Samyavastha of the three gunas. And because of Vishama, the whole other 23 tattvas are created. So every single aspect that you see is part of Shakti. Yet you cannot say it is the Shakti. So the Shakti is the nature of consciousness. It is nature of Shiva. So you cannot just bring them down to just the Sattva Rajatama Guna. That's one answer. And another thing is that you have to understand the aspect, the perspective of Trika. It is Sarvam Sarvatmakam. So at every moment, you have at every single thing that you see in this universe has the capacity to lead you to Shivahood. Why? Because every single thing that you see in this universe is of the nature of Shiva. It's just that we are not able to understand or recognize it because we don't have the vision to recognize it. So we are not talking about just the Jada aspect or the created aspect, an insentient aspect. We are talking about the whole universe as a whole. The Jada, the insentient and insentient both. प्रोफेसर परांजपे कुछ कहना चाहते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों वक्ताओं को इतनी इतने स्पष्ट तरीके से इन्होंने जो त्रिक दर्शन की इंट्रिकसीज हैं जो जटिल या सूक्ष्म उसके पक्ष हैं उनको हमारे सामने रखा है एक मिनट सॉरी कोई था मेरे कमरे में सो दी आई वॉन्ट टू जस्ट पिक अप वन थ्रेड ऑफ वॉट निहार जी सेड विच इज ही मेंशन्ड महामहिम गोपीनाथ कविराज जी नाउ वी कैनॉट कंक्लूड अ कॉन्फ्रेंस लाइक दिस विदाउट रिमेम्बरिंग हिम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गुरु जी नवजीवन रस्तोगी जी इफ ही इज हियर टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन Because what I wanted to say simply was that I read a book by Hugh Urban, you know, he has written many books on Tantra, but he said that, of course, Gopinath Kaviraji was a great disciple of Anandamayi Ma, and in his Aspects of Indian Thought, last chapter is called Mother. Wo kitab mere paas hai. But what I felt was extraordinary about his legacy was that he thought that this knowledge, you know, of this Tantra Vidya, you know, Bengal mein John Woodruff and then there were other great people in Bengal like Rendranath Bhattacharya who wanted to combine Tantra with Marxism also. And of course, Sri Aurobindo. But the reason I mention Gopinath Kaviraj ji is because I think he had the idea that we could have universal salvation. This is the point. And ek mahapralay wo sochte the ke jo yogi hai, jo tantrik siddha hai, wo ek mahapralay को ला सकते हैं तो यू अर्बन ने लिखा है आई कोट यू अर्बन फॉर द योगिन इज सीकिंग टू मेक महाप्रलय टू हैपन थ्रू द कंट्रोल द पेरेनियल सोर्स ऑफ क्रिएशन वंस द इंटेग्रल योगिन हैज ब्रॉट द सुप्रीम कॉन्शियसनेस बैक इनटू दिस वर्ल्ड द बाउंड्रीज बिटवीन ब्रह्मन एंड संसारा एब्सोल्यूट रियलिटी एंड द इग्नोरेंस ऑफ माया वुड डिसअपीयर एंड ऑल बीइंग्स वुड बी फ्री टू एंटर the single boundless kingdom of divine consciousness. As world redeemer, the integral guru must effect a complete ontological reconstruction, replacing the old tantric cosmology with its complex of ontic domains with the boundlessness of a single mandala as the radiant kingdom of dynamic consciousness where all may attain their integral self-realization. Now, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि the previous questioner, Mishra ji also mentioned this, कि
ये बाधा है, ये क्या है, क्यों हम इस तरह एक अज्ञानता की अवस्था में अभी भी जी रहे हैं? और बार बार हमें कहा जा रहा है कि हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, या ये प्रकाशमय है, आप ही यू नो प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये तो वैदिक महावाक्य, बट इसमें आगम में भी वही कहा गया है बार बार, और कल से भी आज हम यही सुनते जा रहे हैं। तो इसमें क्या, इसका तोड़ क्या है? जिस तरह हम लोग जी रहे हैं, श्री अरविंद ने भी कहा था डिवाइन लाइफ इज पॉसिबल थ्रू सुप्रामेंटलाइजेशन। तो मैंने महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी का इसलिए स्मरण किया क्योंकि उनके विचार को हमने ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। वो भी कुछ विश्व क्रांति लाना चाहते थे चेतना के माध्यम से, चेतना को बदलने से। तो इस पे यदि कोई प्रकाश डालना चाहे, खास करके मेरी तो रिक्वेस्ट यही होगी कि गुरुजी नवजीवन रस्तोगी जी कुछ कहे, अगर वो कहेंगे तो वो हमें बहुत अनुग्रहित करेंगे उनके कुछ वचनों से। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अगर उनको हम मकरंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो मैं आज के दोनों वक्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। मेरे पास जब आपने जो प्रश्न आया है तो 5-7 मिनट तो आप मुझे देंगे। तो मीरा जी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की, और निहार के लिए तो मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने विषय को प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि मुझे निहार, मुझे अपना गुरु मानते हैं लेकिन मुझे निहार को गुरु मानना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे ढंग से बधाई हो। दो तीन बातें अभी आपने गोपीनाथ कविराज जी के बारे में कही, मैं निहार की बात पे भी आऊंगा एक दो पॉइंट को लेकर के, और मीरा जी की बात को भी लेकर के, क्योंकि मेरी निगाह, मेरे विचार में आज ये दोनों जो लेख थे वो दोनों सापे एक दूसरे के पूरक थे, क्योंकि पूर्णता के प्रत्यय गतिशीलता के बिना संभव नहीं है, और गतिशीलता की बात यदि हम कर रहे हैं तो पूर्णता के अभाव में उस गतिशीलता का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए, लेकिन चूंकि आपने गोपीनाथ जी के बारे में मेरा एक विचार है, गोपीनाथ जी का मैं महसूस ये करता हूँ कि यद्यपि हमने उनको भारत रत्न का सम्मान दिया, हमारे देश में हम लोग जो क्या करते हैं, हम महिमा मंडित करके मूर्ति बैठा देते हैं, मंदिर में पूजा करने लगते हैं, लेकिन गोपीनाथ जी का अध्ययन नहीं हुआ। और गोपीनाथ जी के अध्ययन दो दिशाओं में होना चाहिए था, एक तो उनकी मेथोडोलॉजी को लेकर के, क्योंकि गोपीनाथ जी ने कोई प्रबंध नहीं लिखा है, he has not written a thesis, he has not written a dissertation, केवल लेख लिखे, और उन लेखों में उनके कुछ लेख जो हैं वो प्रबंधों से बढ़ करके। तो सवाल ये है कि हम उस मेथोडोलॉजी क्या एडॉप्ट करते हैं। मैंने कभी, मेरी छोटी सी पुस्तक अभी आ रही है, काली क्रम एंड अभिनव गुप्त एपिस्टीमोलॉजी ऑफ ए तांत्रिक ट्रेडिशन, तो उसमें मैंने गोपीनाथ जी के कुछ इस मेथोडोलॉजी की चर्चा की है, लेकिन खैर वो बात की बात। दूसरी बात कि गोपीनाथ जी का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, प्रतिपाद्य क्या था, दो चीजें, तो दोनों के ऊपर चर्चा नहीं हुई है। गोपीनाथ जी के दो तरीके हम सोच सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है, एक तो गोपीनाथ जी का एक अपना सिद्धांत क्या था, और वो जिसको अखंड महायोग कहते हैं, और जिसके लिए कि अब यूनिवर्सल साल्वेशन की बात करते हैं, जिसकी वो चर्चा करते थे, लेकिन वो यूनिवर्सल साल्वेशन में भी एक बड़ी विचित्र बात करते हैं, और उसका संबंध जो है वो आज निहार की बात से है। और उसमें क्या है, वो कहते हैं कि महायोग में, अखंड महायोग में भी हम पूर्ण से पूर्णतर, और पूर्णतर से भी पूर्णतर हम स्थिति में जा सकते हैं। यानी ये भी एक डायनेमिक प्रोसेस है, पूर्णता की प्रक्रिया भी जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, और एक निरंतर बढ़ने वाली, ऊंचे जाने वाली प्रोसेस है, और दूसरी चीज है कमी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक उनका ये अपना विचार था, जिसका उन्होंने अखंड महायोग के द्वारा प्रतिपादित करने की चेष्टा।
उनकी जो दूसरी दृष्टि थी भारतीय दर्शन के बारे में, वो भी बड़ी मौलिक दृष्टि थी। वो ये मानते थे कि भारत के जितने दर्शन हैं वो एक मौलिक वैचारिक व्यवस्था में व्यवस्थित है, एक क्रम है उनके अंदर। हम जिनको अलग अलग समझते हैं, हम जिन जैसे वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत, इन सबको जो हम अलग अलग करके देखते हैं, तो ये भारतीय दृष्टि नहीं है। भारतीय दृष्टि है कि वो पूरी ज्ञान परंपरा जो है, वो ज्ञान परंपरा यदि हमें क्रम से अक्रम की ओर ले जा रही है, और सृष्टि की परंपरा हमको अक्रम से क्रम की ओर ला रही है, तो उस ज्ञान परंपरा में वो सारे मोती जो हैं पिहोए हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। ये गोपीनाथ जी का उस वक्त वो कुछ सिद्धांतों को विशेष रूप से चुनते हैं, उनमें जिनमें से उन्होंने दो सिद्धांतों को विशेष रूप से चुना, एक तो काश्मीर शैव दर्शन को और दूसरी तरफ उन्होंने अचिंत्य भेदा भेद गौड़ीय वंगी संप्रदाय को, चैतन्य का जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय को चुन करके उन्होंने कहा कि ये दोनों ऐसे हैं जो भारतीय विचार साम्राज्य की, उनके शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, भारतीय विचार साम्राज्य की दुर्लभ संपदा है, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसलिए उसका जो अध्ययन है, इसलिए कश्मीर शैव पर उनके लेख बहुत कम है, और एक उनका लेख जो 1933 में उन्होंने लिखा था कश्मीर शैव दर्शन, एक 8 या 9 प्रश्नों का पेज है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इतना सारगर्भित लेख आज तक नहीं लिखा गया। ये मेरी अपना विचार है उनके बारे में। तो गोपीनाथ जी के बारे में तो इतनी सी बात। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं यहाँ पर कि गोपीनाथ जी नहीं, ये विचार हमको तंत्रालोक में भी मिलता है। तंत्रालोक में अभिनव गुप्त जब मुक्ति की बात करते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि, लेकिन उनके उनकी दृष्टि बिल्कुल दूसरी है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि फ्रॉम इंडिविजुअल सॉल्वेशन टू यूनिवर्सल सॉल्वेशन, वो कहते हैं ये अधिकारी की क्षमता पर है कि वो किस प्रकार की मुक्ति वो चाहता है। और उनका बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सबसे पहले इस श्लोक की तरफ पंडित ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी ने मेरा ध्यान दिलाया था, और वो ये है कि स्वमुक्ति मात्रे कस्यापि यावद् विश्व विमोचने प्रतिभो देति खद्यो तो रत्न तारेन्दु रत्न तारेन्दु सूर्यवत। मतलब ये कि कहते हैं कि अपनी कोई केवल अपनी मुक्ति चाह सकता है और कोई पूरे विश्व की मुक्ति चाह सकता है। तो कहते हैं इसमें तो योगी की जो प्रतिभा का उदय है वो ठीक वैसे ही है कि जैसे कि जुगनू की जैसे जुगनू चमकता हो, रत्न चमकता है, तारा चमकता है, चंद्रमा चमकता है और सूर्य चमकता है। ये निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सूर्य या जुगनू, ये आप पर निर्भर करता है। आप सूर्य बन करके यूनिवर्सल सॉल्वेशन ढूंढ सकते हैं और जुगनू बन करके अपना सॉल्वेशन ढूंढ सकते हैं। गोपीनाथ जी के एक मैं गोपीनाथ जी एक वाक्य बहुत इस्तेमाल किया करते थे, चूंकि आपने उनकी बात कही तो वो मैं, तुमी जानो क्षुद्र जहा क्षुद्र ताहा नोए सत्य जेथा किछु थाके विश्व सेथा राय। तुम जिसको क्षुद्र समझते हो वो क्षुद्र नहीं है, छोटा नहीं है। जहां कहीं पर भी तुम सत्य देखोगे वहां पर पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है। ये गोपीनाथ जी किसी बंगाली कवि को उद्धृत करते थे और ये बड़ा प्रिय था उनको। तो आपने चूंकि गोपीनाथ जी की बात की, मैं समझता हूं कि गोपीनाथ जी के ऊपर भी एक बार सेमिनार हुआ था 1986 में, जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी, 4 सेमिनार हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी हमें गोपीनाथ जी में बहुत काम करने की जरूरत है। आज के वक्ताओं को मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा कि
निहार ने तो जिस तरह से प्रस्तुति की है इज रिमार्केबल। मैं और मीरा जी ने, मैं दोनों में अंतर कि निहार जी की जो क्लैरिटी थी और मीरा जी का जो कंटेंट था, दोनों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। तो ये अलग अब निहार जो परात्रिष्पु जो जब ईश्वर प्रतिभा विमर्शिनी है, यदि निराभासात पूर्णात जो है अहमित पूरा भाष यद्यत, हम अहम को फर्स्ट मैनिफेस्टेशन मानने की जगह हम यदि कहें कि पूर्णात अहम यदि निराभासात, तो कैसा रहे? कैन बी से दैट, सोचना इसके ऊपर। तो ये दूसरी बात यह है कि एक मौलिक प्रश्न पर जरूर विचार होना चाहिए था मीरा जी के लिए भी और निहार के लिए भी, और वो इसलिए होना चाहिए था कि हम आज के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, और आज के लोगों को जो एड्रेस कर रहे हैं, मैं मकरंद जी 2 मिनट लूंगा, इसे अधिक नहीं, आप घड़ी मत देखें। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, पहली बात ये कि पूर्णता के प्रत्यय की आवश्यकता क्या है। हमारे पास बहुत सारे अद्वय हैं, तो ये विचार का विषय है। मार्ग जी सुन रहे हैं तो मैं, ये विचार का विषय है कि वाई पूर्णता, वाई अद्वय इज कंसीव्ड एज पूर्ण इन काश्मीर शैविज्म। एक बात मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये विचार के लिए है चीज। दूसरी बात ये है कि सत्य की गतिशीलता की धारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि पूर्णता के प्रत्यय को हमें रखना है तो सत्य यदि अपनी आत्मशक्ति से गतिशील नहीं है तो पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये दो बातें कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया, और मैं फिर दोनों वक्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मार्ग जी मेरे सामने, उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत आप बहुत अनुमति दें तो हमारे एक अध्येता और प्रश्न करना चाहते हैं, समय हो गया है। बलराम जी, बलराम जी कुछ पूछना चाहते हैं। बलराम जी जी बोले। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ आखिरी सवाल हो सकता है, और फिर हमें दोपहर में और समय मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही गहरे 2 पेपर थे। लेकिन मैं नवजीवन गुरु जी को प्रणाम और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी वाणी सुन के हमें लग रहा है कि मतलब हमारा प्रयास कुछ सफल हो रहा है, नहीं तो बहुत हम आतुर थे कल से कि आप भी कुछ कहें हम और हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको संबोधित करें, और आपने कर दिया तो मेरे हृदय में बहुत ही संतोष मैं महसूस कर रहा हूँ, और मैं आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। और लास्ट सेशन में हमारे पास पर्याप्त समय होगा, जिसमें मार्ग जी, आप, जिनको जो भी कहना है, मीरा जी और ऑफ कोर्स निहार जी, जब वो पीएचडी ज्वाइन कर रहे थे तब मैं उनसे मिला था, कई वर्ष हो गए, और उनके माता पिताजी से भी मैं मिला, और उधर मुझे एक किस्म का आश्चर्य भी हुआ और एक गर्व भी मैंने महसूस किया कि आजकल के लोग भी इंजीनियरिंग के बाद अपना पूरा जीवन इस दर्शन के लिए बिताना चाहते हैं, न्योछावर उसको करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली। तो मैं निहार जी आपको आज सुन के लगा कि उस दिन हमने जिस तरह का स्पार्क देखा था, वो एकदम आज ब्लेजिंग फायर हो गया है, एकदम वो अग्नि, जैसे अग्नि मेरे पुरोहितम कहते हैं, एकदम वो प्रज्वलित हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के, और ध्वनि में भी मतलब इतनी सम्यकता और शांति महसूस हुई, इतना कॉन्फिडेंस है, बहुत ही अच्छा लगा। और आप दोबारा, पहला सत्र हमारा थोड़ा शॉर्ट ही होगा, तो हम दोबारा से आप सबको सुनेंगे, ये मेरा अनुरोध है। तो अब बलराम जी आखिरी सवाल पूछ के, फिर हमारे पास दो
रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं. मैं सिस्टम एनालिस्ट और अलका जी से पूछना चाहता हूं कि प्रोफेसर बेटिना बॉमर और प्रोफेसर केडी त्रिपाठी साहब का लेक्चर है हमारे पास मौजूद है? जी बिल्कुल तैयार है सर. अच्छा है, रेडी है, रेडी है. बहुत बढ़िया. चलिए उसको क्यू कर दीजिए. बलराम जी आप. बलराम जी पूछे. अतिकाल हो गया. मैं इसको एक अवसर मानता हूं गुरुजी को प्रणाम करने के लिए, रस्तोगी सर को, और इनको देख करके शिष्या संचिन्न संशया, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं. लेकिन जो मुझे थोड़ी सी बात कहनी थी, आपने पुरोहित जी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और आपने एक श्रुति का उल्लेख किया, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति. तो इस दर्शन के प्रति अत्यंत जिज्ञासु भाव से मैं रहता हूँ हमेशा. ये श्रुति को तो कोट करते हैं वो, और परमेश्वर की भाषा में जो तृतीय विभक्ति है, करण कारक है, उसके द्वारा संपूर्ण जगत भासमान हो रहा है. तो जगत की कर्मता इस श्रुति के कम से कम परिप्रेक्ष्य में, उसकी कर्मता और उसका जो परमेश्वर का भाषण है उसकी करणता स्पष्ट रूप से शब्दों से प्रकाशित है. लेकिन अगर शिवाद्वयवाद को देखें तो वो उस भाषण को ही पदार्थता के रूप में प्रकट करेंगे, अथवा आप ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे. तो ये ज्ञाप्य और ज्ञापक का जो स्पष्ट रूप से श्रुति में भेद है, उसको किस तरह से व्याख्या करते हैं, मुझे इसको जानने में बड़ी रुचि है. इस भेद को, स्पष्ट भेद को किस तरह से वो अद्वय में स्थापित करेंगे. डॉक्टर पुरोहित हैं? हाँ, 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 है. डॉक्टर बलराम जी, यहाँ प्रश्न ये भी है कि क्या वहाँ भेद है उपनिषद में, जिसको आप भेद की दृष्टि से देख रहे हैं, वहाँ क्या भेद है? क्योंकि ये जो ये उक्ति है ना, ये हमने मुंडक और कठ दोनों श्रुतियों में, ये जो उक्ति है, ये मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ कि मैंने हेमेंद्र पंडित जी से, हेमेंद्रनाथ चक्रवर्ती जो कि कविराज जी के शिष्य थे, बहुत बार सुनी थी. और वो कविराज जी को कोट करते थे और वो कहते थे कि एक बार वो कविराज जी के पास, माता आनंदमयी के पास थे, और माता आनंदमयी ने कहा कि मुझे कैसे दिखता है. इस उक्ति को लेते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे यही दिखता है कि सब चेतन का, चैतन्य प्रकाश का प्रवाह है. यानी ये क्या है ना, हम जैसे मैं निहार को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, आप बलराम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन मैं करके निहार नहीं है, मैं करके ये चैतन्य प्रकाश है. द मोमेंट आप इस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर आप समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक कंप्यूटर है, आपसे कितना दूर है, आप कहेंगे 2 फीट की दूरी पर है, लेकिन मैं कहूंगा आपकी चेतना से कितना दूर है, तो आप क्या कहेंगे? द मोमेंट आप आइडेंटिफिकेशन अपना बलराम से चैतन्य रूप कर लेंगे, तो पूरा परिपेक्ष बदल जाएगा, जिस तरह आपसे देखते बदल जाएगा. फिर ज्ञाप्य नोअर और नोन का ज्ञापक ज्ञापक भाव जो है, ये बदल जाएगा. ये तभी तक है जब तक आप खुद को बलराम मान रहे हैं. आप भाषा को कब ऐसा मान रहे कि वो कुछ प्रकाशित कर रही है, ऐसा नहीं है. भाषा जो है वो ऐसी नहीं है कि वो किसी को कुछ को प्रकाशित कर रही है. यहाँ वो सबको प्रकाशित करते हुए अपने आप में बनी हुई है. यानी खंड और अखंड दोनों एक साथ समाहित है, इसकी हम बात कर रहे हैं. इसीलिए यहाँ पर हमको किस तरह से हम स्वयं को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जी बहुत अच्छी बात है. लेकिन हम पहले अपने मन में द्वैत और अद्वैत का निर्णय करके इन श्रुतियों का अर्थ तो नहीं लगाएंगे. श्रुतियों का जो शब्द है उसमें जो स्पष्ट रूप से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ पूर्व निर्धारण करके कीजिए. लेकिन जिस तरह अभी आप जो शब्दों और अर्थ को लेकर चल रहे हैं, उसकी उस परसेप्शन को मैं थोड़ा सा ब्रॉडन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है. आप कह रहे हैं वो उतना ही तक सीमित नहीं है, कहने का तात्पर्य केवल उतना है. अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो मैं निहार को ज्वाइन कर लेता हूँ एक मिनट के लिए. देखिए, सर्वम भिन्न विवाह भाती शाब्दीम भूम उपाश्रितम, ये तंत्रालोक कहता है. जब हम अद्वय की बात करते हैं, लेकिन जब शब्दों का प्रयोग करते हैं
तो उसमें भेद आ जाना स्वाभाविक है। तो इसलिए जब उपनिषद वाक्य की यहाँ बात करते हैं तो तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं भवति। और वहां पर बड़ी विचित्र बात, अभिनवगुप्त जब इसकी व्याख्या करते हैं तो एक छोटी सी, चूंकि आप तो व्याकरणविद हैं तो यहाँ कार्य कारण भाव नहीं है, एक तरीके का ये ज्ञाप्य ज्ञापक भाव भी यदि है तो वो लाक्षणिक अधिक सिद्ध। तो कहते हैं यहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है तो इत्थम भूत लक्षण में वो जो है कि वो प्रकाशित हो रहा है इससे पता चलता है, केवल इतनी मात्र है। तो इसलिए वो ज्ञापन नहीं है। तो ठीक जैसे कि जैसे आपको ज्ञान होता है, जैसे आप प्रतिज्ञा करते हैं कुछ भी, तो एक प्रकार से वस्तु आपकी चेतना में कौंधती है। तो चेतना में जो कौंधना है और जानना दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जो भाषण का अर्थ है वो वही अर्थ है कि वो आपकी चेतना में कौंधती है। बस इससे देखते सर, अनम्यूट करिएगा माधव सर। बुनियादी तौर पर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और अभिनव गुप्त को एक शास्त्रकार के रूप में, खास तौर पर रस के व्याख्याता के रूप में जानता था, लेकिन आज मुझे पता लगा कि उनके व्यक्तित्व के और उनकी महिमा के और कितने आयाम हैं। ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण रहा और खास तौर पर गुरु जी नवजीवन रस्तोगी जी के जुड़ जाने के कारण ये और अर्थ। मैं दोनों वक्ताओं के प्रति अपनी ओर से, संस्थान की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, मीरा रस्तोगी जी के प्रति, डॉक्टर निहार रोहित जी के प्रति बहुत अद्भुत प्रस्तुति के लिए, और मैं अपने निदेशक जी के प्रति कृतज्ञ हूँ और संयोजक अलका त्यागी जी के प्रति भी कृतज्ञ हूँ कि आज ये दायित्व वहन करने का मुझे अवसर दिया। आप सबका आभार। मेरे मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और मैं सोचता हूँ कि अंतिम सत्र में खास तौर पर ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर कश्मीर की, तो लेकिन मैं अंतिम सत्र में गुरुजी भी रहेंगे और मैं अपनी जिज्ञासाएं रखूंगा। तब तक के लिए हम दो व्याख्यान सुनेंगे और मैं पुनः ये सत्र अलका जी का देता हूँ कि वे आगे की कार्यवाही शुरू करें। पंकज बसोतिया जी हैं, प्रोफेसर पंकज बसोतिया जी आए हैं? जी हाँ सर, सर थे। अच्छा, उनको प्लीज इनवाइट करें। मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूँ वेरी क्विकली बिफोर आई हैंड इट टू अलका जी। सबसे पहले तो मुझे अभी भी पता चला है कि निहार जी लॉस्ट हिज मदर टू कोविड, सो आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, आई एम रियली सॉरी टू हियर दिस, आई एम वेरी सॉरी, एंड यू हैव रिकवर्ड, योर फादर हैज रिकवर्ड, सो दिस इज अ टेरिबल थिंग एंड येट यू स्पोक हियर टुडे, so we are very proud of you. I'm sure your mother is very proud of you, and our condolences, and you know, I'm sure that she's progressing wherever she is, from one purnata to another purnata, as Guruji just said. So once again I want to express our condolences, because the loss of our mother is absolutely irreplaceable, you know, nothing we can do can take that place. So once again, we thank you for that. And now, as we transit to the second part of this morning, we are very proud of both the speakers, who are extraordinary intellectuals. And I'm sure Pankaj ji will say a few words about them. But I want to show you this book. This is by Bettina ji. This book was done at IIAS. She has been our fellow. We are very, very proud of her. And I have another book by her. I want to show you that as well. And we were going to do a book discussion on these books by Bettina ji. And she was supposed to come here to IIAS. And she wrote to us also, but lockdown tha, so the institute was closed. So we could not host her here again. But we hope that that will happen in the future. So with these words, I hand it over to Alka ji, who will welcome the chair of this session, Professor Pankaj Basotia ji. Thank you.
Thank you, Professor Makarand Paranjpe ji. I would like to thank Professor Madhav Hara to accept our request to chair this session. Extremely grateful for our Professor Guruji Navjeevan Rastogi ji, who is recovering from COVID, and we all know that after COVID it is really difficult to speak, but he came and he gave us his insights. We are extremely enlightened by his words. Thank you to Professor Rastogi ji. Mark ji is already with us, and now is time to listen to very, very eminent speakers in this whole symposium. Professor K.D. Tripathi. Many of the participants here have been students of Professor Tripathi ji, and the second speaker, Padma Shri Bettina Sharda Boymer ji, has also sent us her recording, and we are very grateful for both the recordings, and that these people took time out to give their participation to be with us in this symposium. Now I would like to welcome Professor Pankaj Basotia ji, who has been with us since morning. I would request him to kindly chair this session. Thank you very much. Thank you Alka ji. I hope I am audible. Yes. Okay, thank you once again. जैसा हम सबको पता है कि हम ये दो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने वाले हैं, पद्मश्री प्रोफेसर बेटिना बॉयमर और प्रोफेसर केडी त्रिपाठी जी के लेक्चर्स हैं ये. मुझे खुद बहुत प्रिविलेज्ड और हम्बल्ड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटिना जी ही वो शख्स हैं जिनसे कश्मीर शैविज्म में मैंने प्रवेश किया है. 2003 में जब वो इंस्टीट्यूट में आए थे पहली बार यहाँ एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, तब से ही मेरा उनसे संपर्क है, और मेरे ख्याल से उनसे जो 20 साल 18-19 साल का संपर्क है उसके ऊपर तो बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, पर ये उसके लिए सही समय नहीं है. इससे पहले कि हम वो लेक्चर शुरू करें, सिर्फ एक बात मैं एक बिंदु की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वो ध्यान मेरा गया जब मैं प्रोफेसर के डी त्रिपाठी जी का बायोनोट ध्यान से देख रहा था तब. और उस बायोनोट को अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो उन्होंने वेद की जो शिक्षा, वेद और उपनिषद की शिक्षा जो है वो प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय से ग्रहण की. ये नाम मैंने इतना सुना है प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे के टाइम से कि मुझे लगता है कि क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय खुद अपने आप में एक लेजेंड है. और दूसरा नाम है उसमें प्रोफेसर बीपी त्रिपाठी जी का, जिनसे उन्होंने व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की. पर इन दोनों नामों से ज्यादा स्ट्राइक मुझे जिस नाम ने किया वो था प्रोफेसर रामेश्वर झा का, और रामेश्वर झा से उन्होंने अपना कश्मीर शैविज्म का दर्शन की शिक्षा ग्रहण की. और इससे मुझे लगा कि प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का उनका जन्म स्थान इलाहाबाद है और उनकी कार्यभूमि बनारस है, पर प्रोफेसर रामेश्वर झा से पढ़ने के कारण वो सीधे स्वामी लक्ष्मण जू की लेगेसी से और उनकी लीनियत से जुड़ जाते हैं. और ये मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि ये चीज हमारे अपने प्रेजेंट टाइम्स में घट रही है. हमारे अपने समय में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लेगेसीज और लीनियजेस जो है वो क्रिस क्रॉस कर रही है. एक तरीके से हमने किताबों में निगम और आगम को बहुत बहुत गहरे तरीके से बांट रखा है, जैसे हम उनके बीच में इतनी खाई दिखा देते हैं कई बार हमारी किताबें कि जैसे उस खाई को हम पाट ही नहीं सकते. पर जिस डायनेमिज्म की और निरंतरता की हम अभी बात करके हटे हैं इस पिछले सेशन में, उसको अगर हमें साक्षात देखना हो तो हम इन दोनों के जीवन में, जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं, इनके जीवन को और ध्यान से देखिए. तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे सेमिनार का थीम है लेगेसीज एंड सिग्निफिकेंसेस. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लेगेसी में लिनिएज को जोड़ते हैं
और थोड़ा किताबों से और थ्योरीज के साथ साथ हम जब इंडिविजुअल्स की तरफ ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके का फ्यूजन, किस तरीके की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हमारे ट्रेडिशन में। और अगर आप सोचते हैं कि ये न्यू एज मॉडर्न एज की में ही ये हो सकता है पॉसिबल और पिछली एज में ये पॉसिबल नहीं था, तो आप देखिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, अगर इधर से पीछे ले जाएं तो केडी त्रिपाठी जी के जीवन का मैं कह रहा हूँ, बेटिनियन जी के जीवन को देखिए आप, कैसे स्वामी अभिक्षितानंद से शुरू करके उसमें जेंडर, नेशनैलिटी ये इश्यूज भी उसमें आ जाते हैं, और फिर स्वामी लक्ष्मण जी तक उनकी यात्रा है। स्वामी लक्ष्मण जी की यात्रा को देखिए जिसमें सिर्फ कश्मीर शैव दर्शन नहीं है, अपने आध्यात्मिक पिपासा को शांत करने के लिए कैसे उन्होंने एक्सट्रीम साउथ की, दक्षिण की यात्रा की, और भगवान रमण महर्षि के साथ वो कितने समय रहे। अगर आप कहते हैं कि ये भी इसी शताब्दी में संभव था तो आइए अभिनव गुप्त तक चलते, और अभिनव गुप्त में आप देखिए किस तरीके का फ्यूजन है, वहां लक्ष्मण गुप्त भी है, डायरेक्ट डायरेक्ट लीनिएज लक्ष्मण गुप्त तो है ही वहां, पर वहां भूतिराज और शंभुनाथ भी है। आचार्य अभिनव गुप्त को हम वैसे कहते हैं कि वो एक सेक्लूडेड रहना पसंद करते थे और ज्यादा इंटरमिंगल नहीं होते थे ज्यादा समाज के साथ, और इसीलिए शायद कलहण के राजतरंगिणी में उनका नाम नहीं है, हम कल ही बात करें। पर मुझे जो बहुत फैसिनेटिंग चीज लगी कि वो शंभुनाथ से पढ़ने के लिए और शंभुनाथ से सीखने के लिए वो जालंधर पीठ तक आए, तो वहां भी देखिए आप लक्ष्मण गुप्त, भूतिराज और शंभुनाथ का तो अपरेंट लीनिएज और क्रिस क्रॉस या फ्यूजन जिसको मैं कह रहा हूँ वो घटित हो रहा है अभिनव गुप्त के अपने समय। तो सिर्फ इस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता था कि जो हमारी लेगेसी है और उसकी सिग्निफिकेंस है उसमें किस तरीके के डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड है। बस थैंक यू, इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स शुरू करें, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू पंकज जी। गौरव जी प्लीज प्रोफेसर त्रिपाठी जी का रिकॉर्डेड लेक्चर शुरू करिए। आचार्य अभिनव गुप्त दाय और महत्व शीर्षक से आयोजित इस द्विदिवसीय परिसंवाद के दूसरे दिन के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे सम्मान्य प्रोफेसर पंकज बसोतिया जी, सुप्रसिद्ध कलाविद और शैवा शैव शास्त्र की, शैव दर्शन की, प्रतिविज्ञा शास्त्र की विदुषी मिथीना बॉमर जी, परिसंवाद में भाग ले रहे सभी विद्वद्गण और मित्रों, 11वीं शताब्दी में कश्मीर में आविर्भूत शिवाद्वैवादी त्रिक दर्शन के महान आचार्य, प्रखर दार्शनिक चिंतक, तंत्र की व्यवस्थित पद्धति के प्रथम महाग्रंथ तंत्राडोक के यशस्वी प्रणेता, त्रिक दर्शन के शिखरभूत ग्रंथ प्रतिविज्ञा, ईश्वर प्रतिविज्ञा और उसकी विवृति पर विमर्शनी तथा विवृति विमर्शनी नामक विस्तृत व्याख्याओं के कर्ता, भारतीय भाषिक चिंतन को भर्तृहरि से आगे ले जाने वाले ग्रंथ परात्रिशिका विवरण के रचयिता, आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक में प्रतिपादित ध्वन प्रस्थान की प्रतिष्ठापिका व्याख्या लोचन के विश्रुत लेखक, शिवाद्वय के अनेक आनुभविक पक्षों को अपने स्तोत्रों में उद्घाटित करने वाले कवि और योगी, संस्कृत प्राकृत काव्य की मार्मिक समीक्षा के पुरस्कर्ता, कश्मीर की प्राकृत अभिभ्रंश परंपरा की छंदो रचना में सिद्ध रचनात्मक आचार्य,
नाट्य शास्त्र के आज उपलब्ध एकमात्र भाष्य नाट्य वेद विवृति अथवा अभिनव भारती जैसे रचना के विस्मयजनक प्रणयन के धनी परम माहेश्वर सिद्ध योगी अभिनव गुप्तपाद के बहुआयामी विलक्षण व्यक्तित्व का शब्द चित्र या वर्बल पोर्ट्रेट केरल से आए उनके शिष्य मधुराज के द्वारा प्रणीत चार श्लोकों में प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तित्व और उससे जुड़े परिवेश का सांगोपांग और पूर्ण शब्द चित्र व्यक्तित्व चित्रण दुर्लभ है। इसमें अभिनव गुप्तपाद के व्यक्तित्व के एक अत्यंत विशिष्ट पक्ष उनके नाद वीणा के वादक का पक्ष उनके प्रयोक्ता होने का प्रमाण है। साथ ही उनके चारों ओर योगिनी और सिद्ध संग है। वे उनसे घिरे हुए द्राक्षाराम में निर्मित वितान के नीचे बैठे हैं। सामने योगिनी नर्तन कर रही है और आचार्य उसका अवलोकन भी करते जा रहे हैं। वे सामने बैठे लोगों को ग्रंथ भी लिखवा रहे हैं। क्षेमराज आदि उनके शिष्य सामने ही बैठे हैं। यह आंखों देखा वर्णन है। इससे अभिनव गुप्तपाद के प्रयोक्ता होने और अपने समय होने वाले प्रयोग से सतत संपर्क में रहने का असंदिग्ध प्रमाण हमें मिल जाता है। यह तथ्य अभिनव भारती में प्रयोग और क्रिया पक्ष के उद्घाटन की जो अंतर्दृष्टि मिलती है उसका रहस्य खोलता है। अभिनव भारती के सजग सचेत अध्येता को पग पग पर आचार्य की प्रयोगगत अंतर्दृष्टि का परिचय मिलता है। और दूसरी ओर ईसा की 11वीं शती के अंत में पारंपरिक नाट्य के प्रयोग की जो स्थिति है उसकी समझ के लिए भी मार्ग सामने खुलता दिखाई पड़ता है। अभिनव गुप्तपाद के इस पक्ष को समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि वे एक ऐसे समय के मोड़ पर खड़े हैं जहां संस्कृत की परंपरागत रंग प्रयोग की पद्धति अब मुड़ रही है और इस डिपार्चर पॉइंट पर वे खड़े हैं। सामने भाषाई नाट्य और भाषाई रंगमंच का युग आरंभ हो रहा है। इस युग में सारा दाय अभिनव गुप्तपाद का और पारंपरिक रंगमंच का संक्रांत हो रहा है, लेकिन अब उसके अपने भाषाई रूप के कारण पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग रूपों का विकास हो रहा है। और यह सब अभिनव भारती में प्रकाशित है। उसका शास्त्रीय रंगमंच का अत्यंत समृद्ध रूप एक ओर और दूसरी ओर विशुद्ध देशी नाट्य शैली जो उसका एक उदाहरण वहाँ है जो वहाँ पर दिखाई पड़ता है डोम्बिका। डोम्बिका का जैसा नाट्य शास्त्र के चतुर्थ अध्याय की अभिनव भारती में विवरण देते हैं उसे ये पता चलता है कि एक ओर वो कश्मीर में बैठे हुए हैं और दूसरी ओर सुदूर डोम्बिका तक प्रसृत इस नाट्य विधा से उनका पूरा परिचय है। उनके शिष्य केरल से आ रहे हैं और उनकी रचनाएं केरल तक पहुंच रही हैं। इस तरह ये बात भी प्रमाणित हो जाती है कि वे संपूर्ण भारत की प्रयोग परंपरा से अपने समय में परिचित हैं और वे इसलिए अभिनव भारती में जो सांस्कृतिक अत्यंत परिनिष्ठित सुसंस्कारित रंगशैली है उसकी व्याख्या तो करते ही हैं।
वे देशी नाट्य विधाओं का भी उसी तरह से आत्मसात करके उल्लेख कर रहे हैं। उनकी भारत अवनो भारती नामक यह व्याख्या या भाष्य वस्तुतः नाट्य वेद, पंचम वेद और नाट्य शास्त्र पर एकमात्र उपलब्ध भाष्य है। इसके पहले भी भाष्य लिखे गए जिनका स्वयं उन्होंने उद्धरण दिया है, जिसका स्वयं वे उल्लेख करते हैं, लेकिन केवल उनके उद्धरणों से ही पूर्व भाष्यों का पता चलता है। उसमें निरूपित रंग शैलियों का भी कुछ पता चलता है, विभिन्न नाट्य दर्शनों का भी हमको पता चलता है, लेकिन वस्तुतः जो सांगोपांग और पूर्ण विवरण अभिनव गुप्तपाद की अपनी शैली का है या अपनी दृष्टि का है, वो नाट्य भारती में विस्तृत रूप से सामने दिखाई पड़ती है। नाट्य शास्त्र उनको दो रूपों में मिला है, नाट्य वेद है और फिर उसका अत्यंत व्यवस्थित पक्ष, उसका ग्रंथात्मक पक्ष नाट्य शास्त्र है। नाट्य वेद श्रुति है, पंचम वेद है। श्रुति का अर्थ होता है वह अनादि सतत और बीजात्मक ज्ञान। उस बीजात्मक ज्ञान को प्राप्त कर उसे परिवृंगित करना और उसे एक व्यवस्था और अनुशासन में ढाल देना, ये शास्त्र का काम है। ये शास्त्र भी दो प्रकार के हैं, एक तो वे जिनमें सिद्धांत पक्ष प्रधान है, प्रयोग पक्ष या तो नहीं है या अत्यंत गौण है। दूसरे वे शास्त्र जिनमें प्रयोग पक्ष प्रधान है और शास्त्र पक्ष भी उसमें उसी रूप से दिखाई पड़ता है या गौण है। अभिनव भारती नाट्य शास्त्र को इस रूप में देखती है, जहाँ सिद्धांत पक्ष और प्रयोग पक्ष समशीर्षिकया उपस्थित हैं। इसलिए अभिनव भारती जहाँ एक भारतीय सौंदर्य शास्त्र के उस सैद्धांतिक पक्ष को बड़ी ही निष्ठा से और बड़ी पूर्णता से प्रतिपादित करती है, वहीं दूसरी ओर उसके प्रयोग पक्ष में एक विशिष्ट अंतर्दृष्टि के साथ उसकी व्याख्या करती है। उस दृष्टि की व्याख्या के लिए अभिनव गुप्त ने स्वयं कुछ मानकों को निश्चित किया है। उन मानकों का वे व्यवस्थित रूप से आरंभ में ही संकेत देते हैं। उन मानकों के आधार पर उनकी अंतर्दृष्टि निर्मित होती है। हम पहले उन मानकों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इसके बाद जैसे उनकी वह अंतर्दृष्टि प्रकाशित हुई है अभिनव भारती में, उसके दो एक उदाहरणों पर विचार करेंगे। कैसे उनकी वह अंतर्दृष्टि त्रिक दर्शन की विश्व दृष्टि के साथ समन्वित है, कैसे वह अंतर्दृष्टि पिंड और ब्रह्मांड, सूक्ष्म और स्थूल, अंतर और बाह्य की समन्वित सामरस्य के विश्व दर्शन से अनुप्रेरित है, किस प्रकार उनकी यह विश्व दृष्टि प्रमाणों के त्रिविध प्रमाणों के द्वारा निर्मित होती है। वस्तुतः नाट्य वेद के जो प्रतिपाद्य का विवेचन करते हुए कहते हैं अभिनव गुप्तपाद की प्रश्न पंचक विवेचन परमिदम शास्त्रम, यह शास्त्र पांच प्रश्नों पर विचार करता है। नाट्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, नाट्य वेद का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, नाट्य वेद कथम ब्राह्मण उत्पन्न, कस्य वा कृते, कौन उनका अधिकारी है, कत्यंग उसके अंग कितने हैं, किम प्रमाणस्य उसके अपने विशिष्ट प्रमाण क्या हैं और प्रयोगश्चासिकी दिशा है। तो उत्पत्ति के
प्रश्न पर विचार करके प्रथम अध्याय में ही पुनः उन उस उत्पत्ति के द्वारा जो नाट्य के स्वरूप लक्षण का आविर्भाव होता है, नाट्य स्वरूप का विचार किया गया है। उस नाट्य स्वरूप पर विचार करते हुए अभिनव गुप्त पाद जो मूल प्रश्न है, वह जो स्वयं निगम और आगम और स्वयं भरत की दृष्टि से सम्मत है, उसका विस्तार विचार करते हैं। वह है नाट्य क्या अनुकृति है या नाट्य भावानुकीर्तन है। यह प्रश्न इसलिए अत्यंत मुख्य प्रश्न है क्योंकि बिना स्वरूप का विवेचन किए जो उनकी अंतर्दृष्टि है क्रियाओं के निरूपण की, क्रिया के पीछे अंतर्निहित जो उनकी दृष्टि है, गहरी पैनी दृष्टि है, उसका हम निर्धारण नहीं कर सकते और उसके उसकी उसकी तार्किकता को समझ नहीं सकते। इसलिए अनुकृतिवाद का जैसा संरम्भ के साथ खंडन उनके गुरु भट्टतौत ने किया था, ठीक उसी प्रकार उसको आगे बढ़ते हुए अन्य अन्य युक्तियों से परिपुष्ट करते हुए भावानुकीर्तन का विवेचन उन्होंने प्रथम अध्याय में ही किया है। इसलिए नाट्य वस्तुतः भावानुकीर्तन है, कुछ करना पड़ता है, कुछ होता है और उसका अनुकरण करना ही पड़ता है, तो गौण रूप से वो अनुकीर्तन भी हो सकता है, लेकिन वस्तुतः वह अनुव्यवसाय है। यह अनुव्यवसाय न्यायिक सम्मत अनुव्यवसाय नहीं है, यह अनुव्यवसाय वस्तुतः उस चेतना के भीतर विमर्शात्मक अनुव्यवसाय है, उसकी वह अनुव्यवसाय है और अंत में नाट्य रस है, नाट्यम रसः। तो नाट्यम भावानुकीर्तनम नाट्यम रसः, इसका प्रतिपादन कर अभिनव गुप्त पाद जो संपूर्ण प्रथम अध्याय से पंचम अध्याय तक उस अनुकीर्तनात्मक और रसात्मक रंगमंच की रंगकर्म की पीछिका है, उसको व्यवस्थित रूप से प्रकट करते हैं और चतुर्थ अध्याय की अभिनव भारती में, पंचम अध्याय की अभिनव भारती में कर्ण और अंगहारों के विवेचन में और इसके साथ साथ पूर्व रंग के विवेचन में उसको प्रकाशित करते हैं। छठे और सातवें अध्याय की जो अभिनव भारती है उसमें एक और रस का अनुरूपण है और रस तो अमूर्त है, उस अमूर्त रस को हम किस प्रकार नाट्य को जो कि मुख्यतः श्रव्य और दृश्य उभयात्मक है और दृश्यात्मकता जिसकी प्रधान है, उस अमूर्त को मूर्त हम किस प्रकार करेंगे, इसके लिए वे रस के निरूपण के लिए भाव का निरूपण करते हैं और भाव को भी अनुभाव की दृष्टि से परिभाषित करते हैं। अनुभाव की दृष्टि से परिभाषित करने पर जब हम उसको सर्दे प्रेक्षक के लिए ले जाएंगे तो किस प्रकार वह आंगिक अभिनय के द्वारा आकार लेगा, कैसे अमूर्त भाव समूर्त हो जाता है, इस क्रिया को वे फिर आठवें अध्याय से अभिनव भारती मिलते नहीं है, लेकिन इसके उसमें उन्होंने किया था, उसका सैद्धांतिक विवेचन किया है जो आगे के अध्याय में विशेष रूप से 23वें अध्याय में बड़े ही सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित हुआ है, उसका हम उसकी हमको झलक मिल जाती है आगे की अध्यायों में। तो आंगिक अभिनय उसकी स्थिरता में, स्थानक के रूप में, उसके गतिशीलता में, जो अंग और उपांग के कर्म हैं उनके सूक्ष्म विवेचन और उनके करने की पद्धति का व्याख्यान अभिनव गुप्त की एक अत्यंत विशेषता है। उसी के सातत्य में
आंगिक इस भाषा की एक संपूर्ण विशेषीकृत भाषा की निष्पादन के प्रसंग में ही वे आगे प्रवेश और निर्गम कैसे होता है, जो नाटक का जो प्राण है, प्रवेश की विधि क्या है, निर्गम की क्या विधि है, इसको न केवल वो स्वरूप देते हैं बल्कि वह लयानुगत होता है। बिना लयानुगत हुए, बिना तालबद्ध हुए वह होता नहीं है, प्रवेश नहीं होता है, निर्गम नहीं होता है। इसको वो पाठाक्षरों के उद्धरण पूर्वक प्रतिपादित करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और तब वे रंग शैलियां, धर्मी द्वय, उसकी आधारभूत वृत्ति प्रवृत्ति, इन सब का, देश का, काल का, व्यवहार का, जिसके द्वारा अभिनेता को अभिनय की दृष्टि मिलती है, वो अपने स्वरूप को निर्धारित कर पाता है, ये सब विवेचन करते हैं 14वें अध्याय से लेकर के और आगे 14 अध्यायों तक। वे नाटिका जो आधार है, पाठ्य और पाठ का कैसे विधान किया जाए, कैसे उसको किया जाए, जो नाट्यशास्त्र में कहा गया है उसको उदाहरण के द्वारा विशेष रूप से वे प्रतिपादित करते हैं। इसलिए वो कवि के लिए है। यदि शेष नाट्यशास्त्र नट को संबोधित है, उसका अधिकारी नट है, तो ये विशेष रूप से जो 14वें अध्याय से लेकर के और करीब 20वें अध्याय तक नाट्य वस्तु को, इति कर्तव्य इति वृत्त को जो परिभाषित करता है, वो सब का सब कवि के लिए है। तो कवि नट शिक्षार्थम ही नाट्यशास्त्रम, जैसा उन्होंने कहा है, उसको वो प्रतिपादित कर देते हैं, और तब वे इति कर्तव्यता का उदाहरण देकर के करते हैं, विवेचन करते हैं। सामान्य अभिनय अध्याय के आरंभ में वे कहते हैं कि यह जो आंगिक भाषा के तत्व हैं, वाचिक के तत्व हैं, सात्विक हैं, और सात्विक के ये जितने भी तत्व हैं, इनको अलग अलग तत्वों को लेकर इनको कैसे मिश्रित किया जाए, उसके लिए भाषा है समानीकरण की। समानीकरण के द्वारा कैसे उसको हम आत्मसात करता है कलाकार या नट या प्रयोक्ता, इसका उदाहरण देते हैं। जैसे एक सुगंध द्रव्य का निर्माण करने के लिए किराट या सुगंध द्रव्य निर्माता विभिन्न सुगंधित तत्वों को, द्रव्यों को मिलाकर एक नई सुगंध ही बना देता है, और जैसे एक आलात चक्र है फायर ब्रांड, वो ऐसे तो अलग अलग दीप्तियां है, अग्नि की ज्वालाएं अलग अलग हैं, लेकिन जब उसको तीव्र गति से घुमाया जाता है तो वो एक अखंड वृत्त दिखाई पड़ता है। तो किस प्रकार अपनी कालिक अखंडता में यह प्रयोग अलग अलग होते हुए भी धारामयिकता में एक हो जाता है, इसका सूक्ष्म विवेचन वे उस सामान्य अभिनय अध्याय भी करते हैं। चित्राभिनय अध्याय क्यों लिखा गया, जब वही आंगिक भाषा है, सामान्य अभिनय भी हो गया, तो फिर चित्राभिनय अध्याय लिखने की आवश्यकता क्या है। इसको बताते हुए कहते हैं कि जहाँ सामान्य अभिनय की प्रक्रिया भाव के निरूपण की है, वहीं विभाव के निरूपण की प्रक्रिया चित्राभिनय अध्याय में बताई गई है। इन सबको बताकर तब वे सिद्धि का, भूमिका के स्वरूप का निर्धारण करने का विवेचन करते हैं, और इस प्रकार ये सब करने के बाद जो पारंपरिक नाट्य, चाहे वो शास्त्रीय नाट्य है, चाहे वो लोक विश्रुत नाट्य है, उसमें जिस तरह संगीत अनुस्यूत है, बिना संगीत के, बिना नाट्य, बिना वादन और गायन के, बिना गान और आतोद्य के कोई पारंपरिक प्रयोग संभव नहीं है, इस बात को निरूपित करने के लिए
वे आगे के 28वीं से लेकर के 34वीं अध्याय तक उस गान और आतोद के विभिन्न पक्षों का विवरण देते हैं और नाट्य की दृष्टि से गान ध्रुवा है और ध्रुवा का कैसे निष्क्रमण में प्रवेश में प्रासादिक प्रसाद की स्थापना में अन्य प्रयोजनों से प्रयोग किया जाता है और यह सूत्रधार करता है इसका विवेचन करते हैं। सामान्य अभिनय अध्याय में जो वाचिक सामान्य अभिनय है और जो आंगिक सामान्य अभिनय है और सात्विक तो है ही है, वो सामान्य है ही है, सात्विक जो कामों परीक्षण से काम के सात्विक रूपों का निरूपण करने के बाद वो अपेक्षा करते हैं कि अन्य सभी भावों के सामान्य पक्ष को इसी तरह से समझ लिया जाएगा और तब वे आंगिक सामान्य अभिनय पर आते हैं। उसमें वाक्य सूचा अंकुर निवृत्ति अंकुर और नाट्यायित उभय विविध नाट्यायित का विवेचन करते हैं। यह वस्तुतः संपूर्ण नाट्य भाषा के प्रयोगात्मक पक्ष पर अभिनव गुप्त की अंतर्दृष्टि को सामने ले आता है, ये उसकी विशिष्टता है। फिर तो संगीताध्यायों में जो उनके वीणा वादक प्रयोगता का स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। जाति के स्वरूप, गांधर्व के स्वरूप के निरूपण, लय और ताल की व्यवस्था, वाद्य और वादन, वाद्यों के स्वरूप, अवनद्य घन तत् सुषिर सभी का निरूपण करते हुए अंत में वे वो स्वरूप खड़ा करते हैं, वो है एक ब्रह्मांडीय दृष्टि के साथ इस नाट्य को जोड़ देना। उस पिंड और ब्रह्मांड की एकता से निश्चित जो तत्व है उस तात्विक विचार में धरणी से लेकर परम शिव पर्यंत 36 तत्व के साथ नाटकीय तत्वों की समरूपता, उनको किस प्रकार जो पारमार्थिक तत्व हैं, पारमार्थिक दृष्टि से जो तत्व विचार किया गया है वो तननात्मक है, कैसे वह धरणी स्थूलतम से शिव यह सूक्ष्मतम जाकर के और उससे अतिक्रांत हो जाता है और परम शिव में वो उसकी परिणति होती, इसको वो निरूपण करते हैं। अभिनव भारती के प्रत्येक अध्याय के आरंभ में यह बड़ी ही अच्छी तरह से मंगल श्लोक में कहा गया है, पृथ्वी तत्व क्या है। इसके बाद जो मंडप है नाट्य मंडप वो तात्विक दृष्टि से क्या है, नाट्य पूजन तात्विक दृष्टि से क्या है, कर्ण और अंगहार तात्विक दृष्टि से क्या है और किस तत्व के समरूप है और कैसे वो पूर्व रंग किस तत्व की समरूपता में है, समीकरण उसका कैसे होता है, प्रश्न प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक अध्याय में 36 तत्व के प्रत्येक अध्याय से समीकृत रूप को मिलाते हुए और वे अंत में 37वें अध्याय में परम शिव के साथ उसकी एकता को प्रतिपादित करते हैं। संपूर्ण त्रिक दर्शन की पृष्ठभूमि में वे इस अपनी अंतर्दृष्टि को प्रकाशित करते हैं। 30 या 35 मिनट में इस अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से कह पाना असंभव है, लेकिन बिना इसको समझे संस्कृत नाट्य, पारंपरिक नाट्य, केवल संस्कृत नाट्य ही नहीं, उस संस्कृत नाट्य के एकमात्र बचे हुए उदाहरण कुड़ियाट्टम से लेकर समस्त भारत में व्याप्त लोक नाट्यों पारंपरिक नाट्य की समझ के लिए अभिनव भारती में निर्दिष्ट इस अंतर्निहित जो संकेत है उसको समझना आवश्यक है। इसके बिना हम पारंपरिक नाट्य के स्वरूप को नहीं समझ सकते। समझना क्यों आवश्यक है? समझना इसलिए आवश्यक है कि यह जो आज रंगद्वारी रंगमंच का बोलबाला है, जो पिछले 200 साल से हमारी साम्राज्यवादी
दाय की रूप में हमको मिला है, विरासत है, वो साम्राज्यवाद से मिली हुई, उसके विकल्प के रूप में नहीं, मैं तो कहता हूँ उसके प्रतिसमाधान के रूप में पारंपरिक रंगमंच की अवगति आवश्यक है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी शिमला ने अभिनव उपाध्याय के इस विलक्षण व्यक्तित्व पर विचार के बहाने इस प्रश्न को उठाया है। इसके पहले की संगोष्ठी में वहाँ पर विचार हो चुका है पारंपरिक नाट्य पर, लेकिन आवश्यकता है अभिनव भारती पर केंद्रित विचार होने की। मुझे आशा है कि अभिनव भारती पर ही केंद्रित एक ऐसी संगोष्ठी हो जो उसके इस विरल ज्ञात पक्ष को प्रकाशित कर सके, ताकि जो काम संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिल्ली में हो रहा था, जो कुछ समय तक राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत नाट्य विद्यालय में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी किया गया, ये काम अकादमिक स्तर पर और आगे बढ़े और दृढ़ हो, ऐसी मैं प्रत्याशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। इस दृष्टि में आप विचार करेंगे और यह विद्युत गोष्ठी इस पर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि हम दूसरा वीडियो भी देख लें पहले और उसके बाद ही चर्चा प्रारंभ करें। तो मेरा निवेदन है सिस्टम एनालिस्ट से कि वो कृपया सीधे दूसरा वीडियो शुरू कर दें और जी, चर्चा उसके बाद। No superlative is too much when we come to appraising Abhinavagupta, his extensive and multidisciplinary work, and his significance until today, which we hope will be still increasing. And it is up to us, the scholars who know his work, even partially, because for knowing it completely, we would have to be like him, to connect his insights with our present and future predicament, to develop his relevance for the present-day concerns of humanity. But this has to be based on a thorough study and understanding of his texts, and it should not be a superficial approach. As Abhinavagupta was in dialogue with other traditions at his time, mainly with Buddhism, such a dialogue has to happen today with other philosophical and spiritual traditions and with the sciences. Western scholarship on Abhinavagupta is more concerned with history, as a recent publication around Abhinavagupta shows. I want to add a small, but I still feel important note at this occasion to throw light on his genius. It concerns the bhayojana, which he expresses at the beginning and end of his works, the purpose for which he has written and inspired by whom and by which he has written his great works. It reveals both his humanness and connection with his gurus and disciples and his spiritual purpose. Both aspects show a spirit of humility at the basis of all his philosophy. I want to give only a few examples. It is well known that he acknowledges with great respect his gurus, among whom Shambhunatha has a special place. In the concluding verses to the Paratrishika Vivarana, he says, "The Lord has set in motion
the heart of the Guru with compassion for lifting up those who have taken refuge at his feet. That glorious Guru Shambhunatha has set me on the path of truth. And not only his gurus, he also pays tribute to the goddesses who have both purified him and inspired him in writing this great work. O goddesses, having your beautiful and ingenious continued existence in the center of my heart, assigning the position of a guru, it is you who have employed me in the act of exposition of this text. Therefore, forgive this fickleness of my speech and mind. Such an expression of humility. The Prayojana given at the beginning of the same text makes it clear that he is writing this commentary for enlightening my own disciples and for reminding those already enlightened. I am making a little exertion. And this expression, manak, is often used by these authors as a kind of understatement, just a little bit, and to a small degree. At the end of the great Tantra Loka, he makes a prayer to Shiva in a spirit of humility. O Shiva, this essence of the scriptures has been composed by Abhinavagupta. Listen to it, you who listen to and know everything. Truly, it is a praise to you, since it means this text describes your nature. Being certified by Abhinavagupta, unite the whole world with yourself. Lokam Atmi Kurushva is a very beautiful expression. Thus, the entire purpose of such an extensive work, which is itself an expression of Shiva, is to transform the world into Shiva. A consoling verse in his Malini Vijayavartika shows in a simile which is very much taken from nature that every knowledge and action leads ultimately into the ocean of Shiva. Even a small, quote, even a small amount of water on the ground is invariably drunk up by the rays of the sun and through rain flows again into the ocean. In the same way, all knowledge and action in this world merges either directly on its own or gradually through other stages into the ocean of Shiva. This is a great consoling verse that every act of our trying to understand him will also ultimately merge in the ocean of Shiva. Thank you. प्रोफेसर केडी त्रिपाठी जी का भाषण यद्यपि बटीना जी से थोड़ा लंबा था पर फिर भी उनके विषय की दृष्टि से वो बहुत ही संक्षिप्त था पर इतना सार उसमें कूट कूट के उन्होंने भरा है. खासकर नटशेल में उन्होंने जो एक बात कही, नाट्य न सिर्फ भावानुकीर्तन है बल्कि वो विमर्शात्मक अनुव्यवसाय है. नाट्य को भी विमर्श के रूप में देखना, अनुव्यवसाय के रूप में देखना, और फिर फाइनली वो समूर्त रस है. समूर्त रस मतलब एक तरीके से हम उसको पूरे तरीके से ब्रह्म और भैरव की स्थिति तक ही वो पहुंच जाता है, जैसा स्वयं आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने 35वें अध्याय में हमें संकेत किया है एक प्रकार से, पूरे नाट्य की विधा का विश्लेषण करने के बाद, कि नाट्य को शिव के साथ उन्होंने समरस ही कर दिया है.
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, इतने बड़े टेक्स्ट को, इतनी बड़ी बात को इस तरीके से 30 मिनट में समेट पाना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और साधुवाद प्रोफेसर के डी त्रिपाठी जी को। और बेटीना जी की जो बात है वो तो और भी ज़्यादा गूढ़, इतना गूढ़ तत्व में मानसा। और सबसे ज़्यादा शानदार बात जो मुझे वो लगी उसमें वो थी आचार्य अभिनव गुप्त की, उनके भीतर जो स्वीकार्यता और जो विनम्रता है, ये स्वीकार्यता और विनम्रता जो है ये एक स्कॉलर से ज्यादा, एक विद्वान से ज्यादा, मुझे लगता है एक साधक की और एक भक्त की पहचान बहुत ज्यादा। और इस चीज के ऊपर आचार्य अभिनव गुप्त के बहुत सारे पक्षों पर, उनकी विद्वता पर हमने बहुत जोर दिया है, पर मुझे लगता है ये जो भक्ति का पक्ष है, उनके भीतर जो एक साधक और एक जो विनम्र, मतलब कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि वो किसी और से विशिष्ट है कहीं, ये भक्ति का पक्ष मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता है। और मुझे, मैं इसको एक अलग तरीके से रखना चाहता हूँ इस बात को, कि जैसे हम नाट्य और सौंदर्य शास्त्र में चर्चा करते हैं रस की, ये रस की निष्पत्ति कहाँ से और कैसे होती है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि क्या हम अध्यात्म के क्षेत्र में ये बात उठा सकते हैं क्या, कि अध्यात्म में जिसको हम रस कह सकते हैं, जिसको बार बार बहुत सारे शास्त्र और दार्शनिक अमृत या नेक्टर, खासकर कश्मीर शैविज्म में हम जिसको अमृत कह रहे हैं, क्या उसकी भी कोई पूर्व शर्तें हो सकती है, क्या उसकी भी कोई प्रक्रिया है? और जब ये सवाल मेरे मन में उठता है तो मुझे जवाब के रूप में दो तीन चीजें लगती है। एक तो मुझे लगता है कि अपने ही स्वरूप की के अनुसंधान की तीव्र जिज्ञासा, स्वस्वरूपानुसंधान की चलती हुई तीव्र जिज्ञासा जो है वो एक इसका बहुत बड़ा कारक है, जिसका होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद तर्क और युक्ति, आप उपाय को भी इससे जोड़ सकते हैं, पर इन दोनों से ज्यादा अधिक अगर कुछ है तो वो है भक्ति। बिना भक्ति के आध्यात्मिक रस की निष्पत्ति तो शायद संभव ही नहीं है, ऐसा लगता है। और आचार्य अभिनव गुप्त को कहिए या कश्मीर शैव दर्शन के पूरे शास्त्र को, उत्पल देव की शिव स्तोत्रावली को उठा के देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है भक्ति का, जो इसको बहुत ही फैसिनेटिंग बना। एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा मेरा पॉइंट सिर्फ एक और है, वो मैं जोड़ना चाहता हूँ उसको, जैसे आचार्य के डी त्रिपाठी जी, के डी सर ने बात उठाई, और उसमें कश्मीर, हमारे दोनों वक्ता काशी से हैं, कश्मीर शैविज्म के बारे में कह रहे हैं, और इतना इंटरेस्टिंगली उन्होंने उदाहरण दिया है जो केरल से मधुराज, जो उनके विद्यार्थी हैं आचार्य अभिनव गुप्त के, केरल के मधुराज, जिनके चार श्लोक। तो ये कश्मीर, काशी और केरल, ये जो इंटरप्ले है, ये मेरे को बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। हम सब बहुत बार कहते हैं ये बात बार बार कि कश्मीर शैव दर्शन जो है उसमें एक प्रकार से पूरे भारतीय दर्शन का समन्वय, उसका सिंथेसिस, उसका सामरस्य हमको कश्मीर शैव दर्शन में देखने को मिलता है। पर ये सामरस्य मुझे लगता है कि एक तरीके से ये मल्टीपल है। सबसे पहले तो कश्मीर की धरती को जब हम कहते हैं कि वो उर्वरा है, वो ऐसे लगता है जैसे पूरे भारत से सारे के सारे दार्शनिक विचार उनकी तरफ आ रहे हैं, कश्मीर में मिल रहे हैं, उनका सामरस्य घटित हो रहा है। ये एक पहला स्तर है। और फिर इसके बाद दूसरा स्तर घटित हो रहा है कश्मीर शैव दर्शन में, जहां व्याकरण, भाषा दर्शन, अलंकार शास्त्र, साहित्य, काव्य, नाट्य, तर्क, दर्शन, और यहाँ तक कि अभिनव गुप्त की वीणा, एक प्रयोक्ता का पक्ष जिस पर आचार्य जी ने बहुत बल दिया अभी, सौंदर्य शास्त्र और संगीत तक वहां है। तो ये जो मर्ज होना है, इनका सबका जो मिलना है एक तरीके से, बहुत सारी धाराओं का, सबसे पहले कश्मीर की भूमि में, और फिर कश्मीर की भूमि से नेक्स्ट स्टेज एक तरीके से कश्मीर शैव दर्शन में घटित हो रही है। और फिर मैं कहना चाहूंगा आचार्य अभिनव गुप्त में एक तरीके से ये एक और तीसरे और उत्तर स्तर का समन्वय जो है, सामरस्य हमें दिखाई देता है। और इतना सुंदर उदाहरण इसके लिए दिया आचार्य के डी सर ने, कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने, वो उदाहरण था कि कैसे जो है बहुत सारी पुरानी सुगंधों को हम मिला देते हैं,
और बहुत सारी पुरानी सुगंध को मिला देने से एक किस तरीके से एक नई सुगंध हमें प्राप्त हो जाती है। भिन्न भिन्न आपके गोलों को जब हम एक साथ तेज गति से हम घुमा रहे हैं तो किस तरीके से वो हमें एक एकता के रूप में दिखाई देता है, उसका सौंदर्य और उसकी एकता जो है। बस मैं इतना कह के इसको ओपन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वही सोचा पंकज जी के आप कुछ लोगों से कॉमेंट्स लें 1 बजे तक जी, जी, और फिर जी, हम 1 बजे से 2 बजे तक का लंच ब्रेक लेते हैं। अफसोसन हम आप लोगों को मतलब इतनी भी मेहमान नवाजी नहीं दिखा पा रहे हैं, इसमें मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन चलिए ये वैचारिक ही हम लोग खान पान हमारा वैचारिक ही हो रहा है आजकल, तो चलिए आप कमेंट्स करें। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, बाद में आप काफी काफी कह चुके हैं, अंत में आप कह दीजिए। हाँ जी, मैं टाइम के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सत्र था ये वो थोड़ा लेट शुरू हुआ था, लगभग 12:10 पे शुरू हुआ। पंकज जी, पंकज जी, 1 बजे इसको बंद करेंगे। पंकज जी अब 15 मिनट के लिए आप प्लीज क्वेश्चंस ले लीजिए, ठीक है? इसके बाद दोपहर को भी हमें फुर्सत मिलेगी, चिंता मत कीजिए, है ना? ठीक है, दोपहर को भी फुर्सत मिलेगी, क्योंकि एक पेपर जो अद्वैत वादिनी जी का था वो नहीं होने जा रहा है, तो प्लीज आप, है ना, सबसे जो मैं तो यही कहूंगा जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा उनसे आप कुछ प्रश्न या बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी का आमंत्रण कीजिए, अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा हो। जी जी, और एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे तो फोरम में हम जो सवाल आ रहे हैं उनका जवाब जिस भी व्यक्ति को उचित लगे वो अपनी बात कह सकते। धन्यवाद। It's open for questions and comments. Yeah, those who want to ask a question, please mention your name also when you ask the question. Thank you. May I ask a question? This is Santosh Mishra here. Can you hear me? Yes, please, Santosh. Go ahead, okay. Please. Yes, we can hear you. Yeah. The Abhinav Gupta was a great tantric. It is said that he did not die the normal way. He, with his disciples, went into a cave and disappeared. Can somebody throw some light on this? हाँ, शायद त्रिपाठी जी, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई नहीं। जी सर, कहिए सर। जवाब देने की कोशिश करूंगा। सर आपकी आवाज थोड़ी रुक के आ रही है, थोड़ा आवाज अपनी बढ़ा लीजिए प्लीज। तो डिस्टरबेंस बहुत है, अब आ रही है क्या? थोड़ा और तेज करना पड़ेगा सर। हेलो। जी सर, आ रही आवाज? बहुत धीमी आ रही है सर, बहुत धीमी। इससे तेज तो नहीं आ पा रही है, यहाँ कदाचित समस्या है। हेलो। जी सर, कहिए सर, आप ठीक है, आवाज बेहतर है। ऐसा है, अभिनव गुप्त ने शिष्यों के साथ कश्मीर में गुफा में प्रवेश करके उन्होंने समाधि ली। केसी पांडे की जो किताब है जो कि 20वीं शताब्दी के सबसे प्रामाणिक कार्यों से एक माना जाता है अभिनव गुप्त पर, उसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। केसी पांडे ने कश्मीर में जाकर के उस स्थान का भी अवलोकन किया, उसका विवरण उन्होंने अपनी उस किताब में दिया है, अभिनव गुप्ता एंड इस फिलोसॉफिकल वर्क्स, ऐसा कुछ उनका बड़ा ग्रंथ है। लेकिन पंडित बलजिंद्र नाथ, जिनकी की चर्चा कल
होती रही, उन्होंने इस बात का खंडन किया है और सब प्रमाण उन्होंने इस बात का खंडन किया है, मैं भी यही मानता हूँ। बलजीनाथ जी का कहना यह है कि अभिनवगुप्त अपने जीवन काल में ही महाभैरव के रूप में पूजित हो चुके थे और उसी रूप में वो प्रतिष्ठित थे, तो उसके लिए महाभैरव के रूप में ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक डिबेटेबल इशू है और इस पर अंतिम रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक हमारे अत्यंत ही आदरणीय पंडित जी है आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, का सर्वथा भिन्न मत है, वो और भी अधिक विवादास्पद हो सकता है। उनका कहना यह है कि अभिनवगुप्त की हत्या कर दी गई, लेकिन उसका कोई प्रमाण उन्होंने किया। तो तीन मत हो सकते हैं, इन तीनों में गुफा में प्रवेश करके उन्होंने समाधि ली, यह तो पंडित बलजी नाथ जी स्वीकार नहीं करते हैं, उसको मैं कैसे का महाप्रयाण हुआ इसके बारे में जानकारी। मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें, मोतीलाल पंडित जी आज नहीं है हमारे साथ, नहीं तो उन्होंने कल यही बताया था कि मान्यता तो ये है कि योगिनी भू मतलब उनका जन्म भी कुछ चमत्कारिक हुआ था। तो हमारे यहाँ यही होता है कि हम लोगों को वो ऐतिहासिक दृष्टि जो आजकल इतनी हमें अनिवार्य लगती है, उस समय तो नहीं थी। कोई भी संत महात्मा होते हैं तो उनका जन्म और उनका मृत्यु दोनों को एक अद्भुत छवि देने की कोशिश करते हैं कि कुछ अलौकिक जन्म भी और मृत्यु भी। लेकिन इसमें अगर हम एक तात्विक दृष्टि से देखें, ऐतिहासिक दृष्टि एक होती है और एक तात्विक दृष्टि है। तात्विक दृष्टि में एक किस्म से हम कह सकते हैं, अब आप अगर आपने टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग पढ़ी है तो उसमें भी वही है कि स्वम मृत्यु भी होती है स्वेच्छा से, शरीर एकदम उसका वजन भी बहुत कम होता है, मतलब उस हद तक आदमी पहुंच जाता है कि शरीर छोड़ते वक्त वो वजन भी, जैसे 60 किलो का आदमी तो जो पार्थिव शरीर बच जाता है तो कहते हैं कि मांस हड्डियां भी नहीं, कुछ अवशेष उसके बचते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन मेन चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो व्रजवल्लभ जी की बात हुई थी उसमें कुछ तुक तो है कि हजार लोगों के साथ वो एकदम अदृश्य हो जाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। लेकिन कल आपने राकेश कौल जी का अगर उपन्यास पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीज़ों को उद्भस्त किया गया, आश्रमों को नष्ट किया गया, तो पूरी एक संस्कृति खत्म हो गई। मैं जानता हूँ कि ऐतिहासिक तौर पे जो वही में हुआ था, वही में नहीं पैठन में हुआ था, दौलताबाद के गिरने के बाद वो किला गिर गया, और गिर गया यानी मतलब उसको कब्जा कर लिया गया, और वो यादव जो थे वहाँ देवगिरी के, वो देवगिरी को दौलताबाद बनाया गया। तो वहाँ पैठन जो जगह है जहाँ आज भी, वो एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल सेंटर था, वो टोटली उसको उध्वस्त किया गया, और वहाँ के लोग फिर पैठन से कुछ जो वैचारिक थे, जो लिखने पढ़ने वाले जो थे, वो वाराणसी आए। तो ये सारी चीज़ें अब डॉक्यूमेंटेड है, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं। आई थिंक मार्क जी कुछ कहना चाहेंगे। जी मार्क सर प्लीज। आई वांट टू से वेरी क्विकली, यू नो पीपल हैव सेड दैट अभिनव गुप्त हैज बीन अ लिटिल प्राउड in saying that those who study his Tantra Loka will achieve enlightenment and will be able to enlighten others. So these seem to be the words of a proud man, when actually, as Bettina has pointed out, he presents extraordinary humility and he gives us a view of what a guru is, which is rather unusual in the Indian tradition.
He presents a series of levels of Swayam Sam Siddhika Guru, Akalpita Kalpaka, and Kalpita Guru. These are different levels of teachers who are spontaneously enlightened and who are enlightened, but they need confirmation, and ones who become so through instruction. So Abhinavagupta is not pretending to be. He is certainly a teacher, but he is always telling us that he is on the path. I think this is very important, because moreover, it is not required that a guru should be himself enlightened. This is also made very clear when he talks about Acharya Abhisheka. I think that nowadays, this is rather novel. And a last point I'd like to make quickly is that the adhikara that one has to be a teacher and to liberate others, because this is his job, to varying degrees, according to his level, is given not by another teacher, but is given by the deity, and particularly the mother. So he opens a path which was already there in the Agama, which nowadays would seem very strange for those who can, who don't have an adequate guru, for them to be able to have access to the tradition directly by initiation through the deity. And he presents these two alternatives as from a guru and from the goddess, at the end of his Paratrinchika, as Bhatinaji has very nicely quoted. And he does this in such a way in which he's presenting himself as someone whose heart has been opened by the light that falls from the feet of his master. But this expansion of his heart, this unfolding, is a process which goes on and continuously and develops. He does not presume to be more ever than he is. And this is a very wonderful thing, because nowadays, you know, to be a guru, you have to say to everybody, I'm enlightened, you know? So I just wanted to mention that. His humility is really astonishing in this respect. And because it is, he is telling us most sincerely, really how he is, not how he's supposed to be and we see. And I think that this may be, because he is engaged in his sadhana. He is engaged in his work. Part of his sadhana is to teach others. It's not part of his sadhana to become famous, notorious, and so on. And that's probably why we don't find him in Kalhana's Rajataranya. So this is all I wanted to, simple words I like to mention, because I have to write this. I want to ask you something. I heard once from some people that in a particular lineage, let's say there's an enlightened master, and then the successor is not enlightened for whatever reason. In other words, that time hasn't come. And yet they can be the conduit for somebody else's enlightenment, because it is the deity who uses the guru to raise the shishya's consciousness. Would you agree with this idea? It's not me who agrees or disagrees, you know. The Brahma Yama is one of the earliest tantras that we have, no? And yet, it is from the Brahma Yama and other places that Abhinavagupta quotes a practice of how to, through mantra, and the mantra is yourself, given to you by yourself, and invoke the mother, and through thereby receive initiation through her. Now, this is one way. Another way is for a master to transmit his authority, his adhikara, to his student. And when he does that, could you imagine the text Abhinavagupta quote says that even if he wishes to initiate somebody else, or any other ritual procedure of importance, he must first take permission from his own student. Now what is being transmitted there?
is not enlightenment. It may be, or jnana. Jnana must of course be transmitted. But what is being transmitted is adhikara. Now that adhikara, of course, should go with jnana and all kinds of other spiritual factors. Yeah. But the adhikara is coming through the lineage. So I don't know whether that answers the question, you know. But first of all and primarily, the Swayam Samsiddhika, the guru who is himself enlightened, is the head of that lineage. He's the guy at the beginning, like the Buddha. But with the difference to the Buddha, that the Swayam Samsiddhika, he is enlightened by the goddess. Now the people down the line further that receive adhikara, well, this is taken through the transmission, as I said, their own spiritual condition is implicit, but it's not essential that they should be jivan muktas. This is what I understand from Abhinav Gupta and his source. And it was not, that means implicitly, that he who has adhikara can give abhisheka, a guru abhisheka, to another who may be a more spiritually advanced than the one before. Abhinav Gupta doesn't say this necessarily, but I think it follows if you have this, if this line of reasoning is correct, right? This is why nowadays, and one last point, and this is very dangerous. But it's also, you see, a spiritual tradition can be lost very easily. And this was happening right at the beginning even of these transmissions. So provisions were made very early on that if a competent teacher is not available, then you can resort to the deity. Now what is happening nowadays is in the transmission of these teachings of Kashmiri Shelley, which I am in a very small way also engaged, and a lot of other, and other people, no? Not just amongst scholars, and Al-Kaji knows this very well, no? It remains a possibility that we can teach some mantra, which otherwise, normally, I would have had to have some other kind of authority. I do this, I tell you, with great reticence. I spent years being fighting this, but I see the need of that, because this tradition can only continue and may be maintained alive if such processes are at work. And I have been encouraged by that, by people's response. I mean, you're asking me a personal existential question, I'm responding according to talk. Abhinav Gupta, I believe, would approve of that, because this is the situation. At the same time, I think we must be very, very careful. We must be very, very careful. Abhinav Gupta was such an open-minded man that what interested him, yatra yatra mano tushti, tatra tatra mano dharet. Wherever your mind finds satisfaction, you should place it there. No? And by hook or by crook, as Swamiji would say, by many tricks, the master should enlighten the disciple. Even the master is not physically present. No? So I think Abhinav Gupta would also agree with that. Yeah. We are not fanatics. And the guru isn't a person that, you know, everything is in his hand, and then if you don't go through him, you don't get anything. It shouldn't be like that. But we should be very, very careful. I think this is Abhinav Gupta's belief also. I hope so. There is no other way we're going to revive this tradition. The action. No? Thank you. I hope I don't take up too much time. So I think it's over one. And yes, let us close the session. I would like to extend my thanks, sincere thanks to Alkaji and the director, sir. And I would like to thank the speakers, Professor Bettina Boehmer and Professor K.D. Tripathiji, and to Madhavji, Navjeevanji, and all those who have participated and
all and to all those who have patiently listened to the presentations. Thank you. Thank you very much. Thank you. It's over to Alkaji if you want to say something, or Director sir, please. Shukriya Pankajji. I would just quickly recuperate what we have done since morning. We again began with Krama Stotra from Shalini Mathurji, and then we went on to Meera Ji's paper and Nihar Purohit Ji's paper, which was chaired by Professor Madhav Hara. Meera Ji talked about Sat Ki Gatishilta, and Nihar Ji, as is very vivid to all of us, talked about Purnata. These two papers complemented each other, as Professor Rastogi also mentioned. We were very happy to have a glimpse of Professor Rastogi in between, who brought in Gopinath Kavirajji, and how he talked about his vision was integrating the tradition from Achintya Bheda, tradition from Gaudiya Sampradaya, and the Bheda, the Abheda, Mahadvayavad of Kashmir, from Kashmir. Then we had the next session that was chaired by Professor Pankaj Basotiaji, in which we had very extremely senior scholars, Professor K.D. Tripathi, who talked methodically about the Natya Prayog in Abhinava Bharati. Bettina Ji, in her very short, but using the words from Nihar Purohit Ji, gave the sar of the whole spirit of Acharya Abhinav Gupta in the verse that she quoted, and that we finally merge into the ocean of Shiva consciousness. Either we do that directly, if the Shakti path happens, or we do it stage by stage. So this is extremely consoling, as Bettina Shardama herself stated. We are, that is my takeaway. So now we are at the end of the morning session, thanking everybody for their presence here, especially Professor Mark Dixkovsky, because there is a huge time difference from London and here. Right now he's in London, although he's a Banarasi. We are very grateful for his presence and for his insights, especially the last comment on the gurus, importance of competent guru, and the modernistic attitude of Acharya Abhinava Gupta that he answered with regard to a question from Mr. Sharma. So everybody, please have a good lunch. As Professor Sahab, our director sir, said that we are not able to host it, but let it be the rasa of the vichara. Namaste, and see you again at 2:00.